तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज आनंद। आई थिंक वी आर लाइव। शुरू कर रहे हैं आज हम लोग है लिविंग वर्ल्ड का। जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसका दूसरा पार्ट आज हम करने वाले हैं। कल हमने पहला पार्ट किया था, बहुत सारे एमसीक्यूज हमने सॉल्व करे थे और मैंने आपसे कहा था कि जो मैं आपको एमसीक्यू करा रहा हूँ, 10 सेकंड बच्चों, मैंने आपसे ये कहा था कि हर एक क्वेश्चन जो बन सकता है और आपके एग्जाम में आ सकता है, हर वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास के अंदर। एक एक लाइन से जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है। एंड सारे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, सारे एमसीक्यूज यहाँ पर हम लोग कर रहे होंगे। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उस दिन आपसे कहा था कि हम और आप दोनों मिलके मेहनत करेंगे और नीट के एग्जाम को फोड़ करके डॉक्टर बन के दिखाएंगे। क्लियर? तो जोश को अपने मेंटेन रखना है आपको और हमें दोनों को। मैं पूरे जोश के साथ में आपको पढ़ाऊंगा, आपको पूरे जोश के साथ में पढ़ना है और अपने एग्जाम को फोड़ना है। राइट, शुरू कर रहे हैं हम लोग आज का लेक्चर है, ठीक है। लेकिन आज का लेक्चर जो हम शुरू कर रहे हैं वो एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ में शुरू कर रहे हैं और वो कोट ये है कि आपको याद रखना है कि आज कर लो मेहनत तो कल मिलेगा फल, आज कर लो मेहनत तो कल मिलेगा फल, और अगर नहीं कर सकते मेहनत तो देखो सिर्फ एम्स की शक्ल। राइट, तो अगर आप आज मेहनत कर लेंगे तो उसका फल आपको कल मिल जाएगा, लेकिन अगर आप आज मेहनत नहीं करेंगे तो सिर्फ आप जो है अपने कॉलेज की शक्ल देखते रह जाएंगे, कभी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए मेहनत जो है हमको लगातार करनी है, हर दिन करनी है, हर घंटे करनी है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अपना एक साल या अपनी एक साल के लिए ड्रॉप किया है तैयारी के लिए, तो माय डियर फ्रेंड्स ये एक साल सिर्फ आपके तैयारी का होना चाहिए। राइट, तो इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में शुरू कर रहे हैं हम लोग आज के लेक्चर को हैं। तो सबसे पहले हमने कल भी आपसे कहा था, आज भी हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको 360 स्कोर करना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एज मच एज पॉसिबल एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने होंगे, और हर एक पॉसिबल एमसीक्यू मैं अपने लेक्चर्स में आपको करवाता हूँ। तो आप जो है सभी लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखिए, और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी एक मिस्टेक कॉपी बनाइए, जो क्वेश्चंस आपसे गलत हो रहे हैं आप उनको उस कॉपी में लिखिए। राइट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको भीड़ से अलग हटके अगर आपको दिखाना है अपने आप को, आप क्या बनना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। क्या आप भीड़ में खड़े होना चाहते हैं या भीड़ जिसके लिए खड़ी है वो बनना चाहते हैं। राइट, अगर आपको जो है भीड़ से अलग खड़े होना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको एक मिस्टेक कॉपी बनाओ और उनको लिखो, उनके एक्सप्लेनेशन को लिखो, फैक्ट बेस्ड है तुरंत याद कर लो उनको, ठीक है। एंड कंसेप्चुअल अगर एमसीक्यू है तो बार बार अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस को, उसी टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, देखिएगा वो सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में इस तरह बैठ जाएगा कि वो कंसेप्ट आप लाइफ में दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। राइट, तो सेम चीज हमें करनी है यहाँ पे। भैया हमको जो है अपनी कॉपी, जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चंस से बहुत ज्यादा हमें ध्यान देना है, और अगर आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं तो वो वाले भी क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ, आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो शुरू कर रहे हैं हम कि हम लोगों ने कल जो है 50 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे, आज उससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। राइट, 50 एमसीक्यूज हम लोगों ने कल सॉल्व कर लिए थे, आज उससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड बच्चों, 50 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो 51 यानी कि 51 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, फटाफट से आप 30 सेकेंड्स का टाइम लगाओ, ठीक है, और आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर। राइट, और ये आपका बेसिकली एक टेस्ट है, आपको टेस्ट के फॉर्मेट में देना है सारी चीजों को, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे कि 30 सेकेंड्स का टाइम लो, वीडियो पॉज करो और आंसर लिखो अपने कॉपी में। राइट, क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि हु रोट द स्पीसीज प्लांटरम एंड प्रोवाइडेड अ बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। बताइए किसने लिखी थी ये बुक, स्पीसीज प्लांटरम, ये बुक किसने लिखी थी। देखिए अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे अपने आप से तो ये आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, किसी और के साथ में धोखा नहीं कर रहे हैं। आप आज
आप क्वेश्चन सॉल्व ना करके चीटिंग करके आप आज के टेस्ट में अपना नंबर जो है अच्छा ला सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये टेस्ट आपका गोल नहीं है। आपका गोल क्या है, आपका अल्टीमेट गोल क्या है? आपका अल्टीमेट गोल है नीट यूजी, नीट 23 आपका जो है वो अल्टीमेट गोल है। आप उसके लिए अपने आप को तैयारी करो, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। ये जो टेस्ट है ये सिर्फ आपको जो है एक बस गाइड करने के लिए दिए जा रहे हैं आपको है। लेकिन जो आपका अल्टीमेट गोल है वो कौन सा है, वो नीट का एग्जाम है आपका। वो 3 घंटे डिसाइड करेंगे कि आप डॉक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे। राइट माय डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है वाले पॉइंट, ठीक है। और अगर आप कोचिंग में या फिर जहां पर भी आप लोग पढ़ रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां पर भी आप लोग अगर पढ़ रहे हो, तो वहां पर जो टेस्ट हो रहे हैं उन टेस्ट को बेसिकली आपको सिर्फ टेस्ट के नजरिए से ही देखना है। अगर मान लीजिए कि वहां पर जो है वो 10 चैप्टर्स का टेस्ट है, ठीक है, और अगर आप जो है 10 चैप्टर्स रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 5 को रिवाइज करो, 5 को या फिर 3 को आप रिवाइज करो, लेकिन वो 3 आपके ऐसे रिवाइज हो जाएं कि जिंदगी में दोबारा उन्हें पढ़ने की जरूरत ना पड़े। राइट, बिकॉज आपका ये जो गोल है ना, वो आपका गोल जो है वो टेस्ट नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आपका जो अल्टीमेट गोल है वो है आपका नीट का एग्जाम। राइट, तो अगर 3 चैप्टर भी अगर आपके तैयार हो रहे हैं, तो आप 3 को तैयार करो, लेकिन ऐसे तैयार करो कि फोड़ के आओ उन 3 चैप्टर्स में। कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम करके आएंगे उनमें से। राइट, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 10 चैप्टर को याद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अपने दिमाग में जो है प्रेशर नहीं लेना है। बिकॉज अगर आप प्रेशर लेंगे तो आप इन 3 को भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप केवल छोटा सा टारगेट बनाओ, 3 को 2 को जितने आपसे हो पाए आप उनको रिवाइज करो, लेकिन ऐसे रिवाइज करो कि दोबारा देखने की जरूरत आपको ना पड़े। क्लियर, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर आई थिंक आप लोगों ने लगा लिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा जरा बताओ, कि स्पीसीज प्लेंट्रम जो है वो किसने लिखी थी, किसने लिखी है बताओ? क्या कैरोलस लेनियस ने लिखी है, चार्ल्स डार्विन ने लिखी है, रॉबर्ट हुक ने लिखी है, या फिर लुवेन हॉक ने लिखी है? किसने लिखी है? तो कैरोलस लेनियस ने लिखी है ये वाली बुक। फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट फैक्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग है। कैरोलस लेनियस बिलोंग टू, ये लोग, ये साइंटिस्ट कहाँ रहते थे? कैरोलस लेनियस कहाँ रहते थे बताइए? फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन या फिर हॉलैंड, कहाँ रहते थे ये लोग? कैरोलस लेनियस बिलोंग टू कहाँ रहते थे? फटाफट से एक बार 30 सेकंड्स का टाइम लो, वीडियो पॉज करो, फटाफट से आंसर लगाओ। राइट, कहाँ रहते थे वो? पहला चैप्टर है माय डियर फ्रेंड्स। अगर यहां से भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, वेरी सिंपल चैप्टर, अगर यहां से भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, दैट मींस आपकी तैयारी जो है वो अच्छे लेवल पे नहीं है। फिर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। और माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास में सिर्फ जो है 7 से 8 महीने का टाइम है। 7 से 8 महीने का टाइम बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है। 7 से 8 महीने कब बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। अभी दीपावली आ रही है अगले महीने, फिर उसके बाद में जो है न्यू ईयर आ जाएगा, फिर पार्टी आप लोग करेंगे, तो क्या होगा, कब बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ कि टाइम बहुत कम है हमारे पास में। अपनी तैयारी इतने जोरों शोरों से कर दो कि लोग बिल्कुल आपको पागल कहने लगे। राइट, दिन रात उठते बैठते जब भी आप जो है कि बस सोने के अलावा जहां पर भी आप बैठे हो, आप फटाफट से अपने माइंड में जो है बायोलॉजी के फैक्ट्स रिवाइज करें, फिजिक्स के फार्मूला रिवाइज करें, ठीक है, केमिस्ट्री के रिएक्शंस आप लोग रिवाइज करें। आपके दिमाग में बस एक ही चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, द नीट यूजी। राइट, मुझे नीट यूजी फोड़ना है, और जो भी आपका ड्रीम कॉलेज हो उसकी फोटो आपके दिमाग में होनी चाहिए। बस, कोई बर्थडे पार्टी नहीं, कोई न्यू ईयर नहीं, कोई दिवाली नहीं, सब हम लोग अगले साल मनाएंगे। इस साल केवल हमारा एक गोल है, दैट इज व्हाट, दैट इज MBBS। अपने सामने लिख लो एक पर्चे पर, अपने सामने MBBS लिख लो, और उसे डेली बोलो कि जुड़े सबसे हैं हम, लेकिन डूबे सिर्फ तुझमें हैं। राइट, आपको बोलना क्या है, एक पर्चे पर आप MBBS लिखिए और उसको अपने सामने चिपका लीजिए, जहां पर आप सोते हैं, जहां पर आप पढ़ते हैं, उसको अपने सामने आप चिपका लीजिए, और डेली उठिए तो बोलिए इससे कि जुड़े सबसे हैं हम, लेकिन डूबे सिर्फ तुझमें हैं। राइट, सबसे आप लोग जुड़े रहिए, लेकिन डूबे किसमें हैं माय डियर फ्रेंड्स? तो अपने गोल के लिए डूबे हैं, अपने सपनों के लिए डूबे हैं हम लोग। बनना है तो डॉक्टर ही बनना है। राइट, तो कैरोलस लेनियस कहाँ रहते थे वो लोग, कैरोलस लेनियस कहाँ रहते थे? तो वो जो है स्वीडन में रहते थे, वो लोग नहीं होंगे क्योंकि कैरोलस लेनियस तो एक ही थे ना, तो स्वीडन में रहते थे वो लोग। जैसे मेरा वो लोग निकल गया, एक्चुअली क्या ना कि मैं सेशंस लेता रहता हूँ, ऑफलाइन भी है मेरा, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसलिए लोग मेरे कुछ ज्यादातर निकलता है।
है, तो कैरोलस लीनियस आपको याद रखना है, ये उनका ईयर आपको याद रखना है। तो जो है वो स्वीडन में रहते थे, एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ये बात आपको याद रखनी है, गांठ बांध लीजिए कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है। बच्चों याद रखना है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, तो कैरोलस लीनियस, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग हैं, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज कंट्रीब्यूटेड बाय लीनियस, आंसर लगाओ बच्चों फटाफट से, इनमें से कौन सी बुक जो है वो लीनियस के द्वारा लिखी गई है, फटाफट से आंसर लगाइए बच्चों एक बार। बच्चों फटाफट से एक बार आंसर लगाइए, आई होप आप सभी लोगों ने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ा होगा और इसका आंसर लगाया होगा। इसका आंसर क्या होगा, लीनियस ने कौन सी बुक लिखी, क्या वो जो हिस्टोरिया नेचुरलिस्ट थी, नहीं थी, हिस्टोरिया प्लिंटरम थी, नहीं थी, तो कौन सी बुक हुई आपकी, सिस्टमा नेचुरे, आपकी एनसीईआरटी कह रही है, अपनी एनसीईआरटी उठाइएगा, लिखिए, देखिएगा अपने एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि लेनियस ने जो है सिस्टमा नेचुरे, उसने अपने जो है पब्लिकेशन का नाम रखा था, ठीक है, तो सिस्टमा नेचुरे उनकी किताब का नाम था। द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डेवलप्ड बाय लेनियस इन हिज बुक, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो डेवलप किया था लीनियस ने, वो कौन सी बुक में है, कौन सी बुक में, फटाफट से एक बार आंसर लगाइए बच्चों, फटाफट से आंसर लगाइए, फटाफट से बच्चों एक बार आंसर लगाइए इसका, बच्चों फटाफट से इसका आंसर लगाइए, क्या होगा इसका आंसर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होंगे कि सर ये सारे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से बाहर के हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको सेशन शुरू होने से पहले ही आपको मैंने ये बता दिया है कि अगर आपको भीड़ से अलग होकर के दिखाना है, अपने आप को भीड़ से अलग हटना है, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा आपको। आप जानते हैं कि हमारी बायोलॉजी आधा पेपर है, नीट का आधा पेपर, दैट मींस मेक योर बायोलॉजी वेरी वेरी स्ट्रांग, आपकी जो बायोलॉजी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, मेक योर बायोलॉजी वेरी वेरी स्ट्रांग माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये बात बहुत अपने दिमाग में गांठ बांध लेनी है, ठीक है, राइट। तो ये बात आपको याद रखना है। तो लेनियस ने लेनियस से कौन सी बुक थी जरा बताओ, क्या हिस्टोरिया प्लैंटरम थी, नहीं थी, स्पीसीज प्लैंटरम थी, नहीं थी, इसका मतलब आंसर क्या हुआ आपका, फिलोसोफिया बोटैनिका, क्लियर। ये बात आपको याद रखनी है, ये आपके एनसीईआरटी में पॉइंट नहीं है लेकिन आपके एग्जाम के अंदर आता है, राइट, ध्यान से देखिए इसको जस्ट अ सेकेंड बच्चों, क्या है ना कि यार मैं अपना जो फोन है वो साइलेंट पर लगाना भूल जाता हूँ, एक मिनट जरा मैं साइलेंट पर लगा रहता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, जस्ट अ सेकंड बच्चों, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, फटाफट से वीडियो पॉज करो, इसका आंसर लगाओ। कौन से वो इंग्लिश न्यूट्रोलॉजिस्ट थे, नेचुरोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने जो है क्या किया था, इन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरिया जनरलिस पेंटलम प्लेंटरम, जिन्होंने हिस्टोरिया जनरलिस प्लेंटरम बुक को जिन्होंने लिखा था, एंड उन्होंने स्पीसीज वर्ल्ड भी लिया था, वो कौन से साइंटिस्ट थे, बच्चों फटाफट से आंसर लगाइए इसका, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, फटाफट से आंसर, आई होप आप सभी लोगों ने आंसर लगा दिया होगा। इसका आंसर क्या होगा, जॉन रे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, याद रखना है करेक्ट और इनकरेक्ट पूछ रहे हैं आपसे, इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, वीडियो पास करो, अपने आप से सॉल्व करो, राइट, वीडियो पास करो, ईमानदारी से करिए, बिकॉज आप ईमानदारी करेंगे अपने लिए करेंगे, मेरे लिए नहीं करेंगे,
डॉक्टर आपको बनना है मुझे नहीं बनना है, नीट का एग्जाम आपको देना है मुझे नहीं देना है, राइट। 22 साल बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अगले साल भी मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, लेकिन आपका जो ये एक साल है माय डियर फ्रेंड्स ये बहुत कीमती है। अगर आपने डॉक्टर बनने के लिए अपना ये एक साल दिया है, दैट मीन्स आपको उसको प्रूव करना है, अपने आप को बनना है, अपने और रिलेटिव्स को आपको दिखाना है, जो लोग कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, राइट, उन्हें आपको करके दिखाना है, ठीक है। इसलिए पूरे जोश में कभी भी आपको कमी नहीं आनी चाहिए, जोश हमेशा आपका मेंटेन रहना चाहिए, क्लियर। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है जरा बताओ, आई होप आप सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है, बताओ जरा। इट डील विद द बायोलॉजिकल स्पीसीज, ये बात तो सही है। इट बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ वेरिएशन इन द स्पीसीज, ये बात भी सही है, वेरिएशन जो स्पीसीज के अंदर होते हैं उनके ऊपर बेस्ड है। स्पीसीज इज कंसिडर्ड टू बी स्टैटिक, ये बात गलत है, स्टैटिक नहीं है। एंड इट हैज अ बायोसिस्टमैटिक कंसेप्ट, ये बात भी सही है। इसका मतलब, इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो ये होगा कि जो है इन मॉडर्न टैक्सोनॉमी द स्पीसीज इज कंसिडर टू बी डायनेमिक, मतलब मॉडर्न टैक्सोनॉमी के हिसाब से जो स्पीसीज है वो स्टैटिक नहीं है, स्पीसीज जो है वो स्टैटिक नहीं है, क्या है, डायनेमिक है, ठीक है, बदल रही है, डायनेमिक है, क्लियर। टर्म टैक्सॉन इज यूज्ड फॉर, टर्म टैक्सॉन को किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, फटाफट से बच्चों आंसर लगाइए इसका, टैक्सॉन वर्ड को हम किसके लिए यूज करते हैं, टैक्सॉन वर्ड किसके लिए यूज होता है, 30 सेकंड्स का टाइम, वीडियो पॉज करो, आंसर लगाओ, वीडियो पॉज एंड आंसर लगाओ फटाफट से, क्लियर। पूरे जोश को हमें मेंटेन रखना है, पूरे साल इसी जोश के साथ में हमें काम करना है माय डियर फ्रेंड्स, पूरे साल, और अपने सपनों को, अपने टीचर्स के सपनों को, अपने पेरेंट्स के सपनों को हमें पूरा करना है, ठीक है। बिल्कुल भी हमको जो है इधर उधर इंस्टाग्राम पे ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट नहीं डाल रही है, फोटोशूट नहीं करवाना है अपना, सिर्फ एक गोल, दैट इज MBBS। मैंने पहले आपको कहा कि जुड़े सबसे हैं हम, लेकिन डूबे सिर्फ तुझमें है, ये आपको बोलना है अपने MBBS से, राइट। आपका पहला प्यार, पहली मोहब्बत आपकी क्या हो जानी चाहिए, MBBS होनी चाहिए, और MBBS भी कहां से, एम्स दिल्ली से हो जानी चाहिए आपकी। आज से ही व्हाट्सएप पर लोगों के मैसेजेस का वेट करना बंद, केवल एक गोल, एक सपना, एक मंजिल, एक प्यार, एक मोहब्बत, क्या, MBBS, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जो टर्म टैक्सॉन है वो किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, क्या वो स्पीसीज और जीनस के लिए यूज करते हैं, नहीं, क्या वो फाइलम के लिए यूज करते हैं, नहीं, क्या वो स्पीसीज के लिए ही केवल यूज करते हैं, ये भी नहीं। इसका मतलब आंसर क्या हुआ हमारे पास में, एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, किसी भी रैंक के लिए हम लोग जो है टैक्सॉन वर्ड का यूज करते हैं, आपकी NCERT कह रही है, डायरेक्ट आपके लाइन से क्वेश्चन है, राइट। टैक्सॉन इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन विच मे रिप्रेजेंट एनी लेवल ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सर्टेन इजिली ऑब्जर्वेबल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, मेयर इन 1964 हैज डिफाइंड टैक्सॉन टू बी अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक दैट इज सफिशिएंटली डिस्टिंक्ट टू बी वर्थी ऑफ बीइंग असाइंड टू अ डेफिनेट कैटेगरी। मतलब क्या बोल रहे हैं आपसे, आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है कि टैक्सॉन जो है वो क्या है, कि किसी भी टैक्सोनॉमिक, किसी भी मतलब रैंक को हम लोग बोल सकते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की में किसी भी रैंक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टैक्सॉन बोल सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है कि विच टर्म कैन बी यूज्ड फॉर एनी टैक्सोनॉमिक रैंक, अभी हमने इस क्वेश्चन का आंसर लगाया है, कौन सा टर्म हम किसी भी टैक्सोनॉमिक रैंक के लिए यूज कर सकते हैं, अभी हमने सॉल्व किया है बच्चों, अभी सॉल्व किया है, क्वेश्चन गलत नहीं करना है बिल्कुल भी, अभी सॉल्व किया है, कॉमन सेंस को यूज करिए, राइट, फटाफट से आंसर लगाइए इसका, यूज योर कॉमन सेंस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या वो क्लास होगा, नहीं यार, अभी हम लोगों ने बात की थी कि एनी रैंक, किसी भी रैंक को हम लोग बोल सकते हैं टैक्सॉन, तो ना तो वो क्लास होगा, ना फैमिली होगा, कुछ भी नहीं होगा, केवल क्या होगा, टैक्सॉन होगा, वो टैक्सॉन इसका आंसर होगा, राइट।
किसी भी टैक्सोनॉमिक रैंक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टैक्सॉन बोल सकते हैं। क्लियर? ओके आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक यूनिट फॉर स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक यूनिट क्या है या फिर स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? क्या वो स्पीसीज है, क्या वो किंगडम है, क्या फैमिली है, क्या वैरायटी है? फटाफट से आंसर लगाइए बच्चों, फटाफट से वीडियो पॉज करिए, आंसर लगाइए। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। देखिए अगर मैं आपको चिल्ला चिल्ला करके पढ़ा सकता हूं तो आप भी चिल्ला चिल्ला करके याद कर सकते हैं क्वेश्चंस को हैं। अगर मैं अपनी एनर्जी खत्म कर रहा हूं यहां पे, देखिए बिना गवाए कुछ नहीं मिलता है, आपको अपनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी यहां पे, आपको डालनी पड़ेगी अपनी एनर्जी आपके एग्जामिनेशन के अंदर, राइट। तो क्या है यहाँ पे कि बेसिक यूनिट क्या हो सकती है, क्या वो वेराइटी है? नहीं हो सकती, बेसिक यूनिट है। फैमिली नहीं हो सकती है बेसिक यूनिट, और स्मॉलर टैक्सॉन नहीं हो सकता है। तो क्या किंगडम हो सकता है? किंगडम तो फैमिली से भी बड़ा है, इसका मतलब किंगडम भी नहीं, इसका मतलब बचा क्या हमारे पास में? स्पीसीज। सो आपकी एनसीईआरटी पे कह रही है कि स्पीसीज इज द लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है स्पीसीज। क्या है? लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, अपनी एनसीईआरटी देखिएगा, लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। और ये बेसिकली क्या है, एक बेसिक यूनिट है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये एक बेसिक यूनिट है, आपको याद रखना है सारी चीजें, बेसिक यूनिट है। और ये जो है स्मॉलेस्ट टैक्सॉन है, स्मॉलेस्ट टैक्सॉन है, ठीक है। तो बेसिक यूनिट है स्पीसीज, लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन है। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो स्पीसीज ऑक्युपाइज अ की पोजीशन इन द क्लासिफिकेशन एंड इट रिप्रेजेंट द लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? द बेसिक यूनिट अपॉन विच द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड इज, बेसिक यूनिट है जिसके ऊपर क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड है, वो क्या है? अभी सॉल्व किया हम लोगों ने, जस्ट क्या कहा हम लोगों ने कि बेसिक यूनिट क्या है, स्पीसीज है। मैं ये क्वेश्चन आपको बार बार क्यों करवा रहा हूँ, सेम टाइप के क्वेश्चन, बिकॉज आंसर तो सेम ही होता है लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट होती है आपके एग्जाम के अंदर। तो हम वो भी सारे क्वेश्चन देखेंगे जहां पर आंसर सेम है लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट कर देते हैं। मैंने आपसे कहा ना, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको देखा हुआ ना लगे एग्जामिनेशन के अंदर, हर पॉसिबल क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे। क्लियर? तो बेसिक यूनिट क्या है? स्पीसीज है। क्लियर? स्पीसीज आर द बेसिक यूनिट अपॉन विच द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड। बिल्कुल क्लियर, आपको याद रखना है। अमंग ऑल द किंगडम द ओनली टैक्सॉन दैट एग्जिस्ट इन नेचर एज अ बायोलॉजिकली कोहेसिव यूनिट इज द, बताइए सभी किंगडम्स में से कोई एक टैक्सॉन बताइए जो कि एग्जिस्ट करता है नेचर में एज अ बायोलॉजिकली कोहेसिव यूनिट, बताइए कौन सा है क्योंकि एग्जिस्ट करता है। इतने सारे टैक्सॉन है लेकिन एग्जिस्ट एक ही बंदा करता है, वो कौन है? एक ही टैक्सॉन करता है, वो कौन है? फटाफट से एक बार आंसर लगाइए इसका, वीडियो पॉज करो और आंसर लगाओ इसका, वीडियो पॉज एंड आंसर लगाइए। ग्रेट, इसका आंसर क्या होगा? बेसिकली इसका आंसर होगा आपका स्पीसीज, राइट। क्योंकि स्पीसीज ही क्या होती है, एक बेसिक यूनिट है, स्मॉलर टैक्सॉन है और लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। तो इट इज द ओनली टैक्सॉन विच इज एग्जिस्ट इन नेचर एज अ बायोलॉजिकली कोहेसिव यूनिट। ये चीज आपको याद रखनी है, स्पीसीज इज द ओनली टैक्सॉन, ये आपको स्टेटमेंट के रूप में याद रखनी है। स्पीसीज इज द ओनली टैक्सॉन विच एग्जिस्ट इन नेचर एज बायोलॉजिकली कोहेसिव यूनिट, राइट बच्चों। स्पीसीज इज द ओनली टैक्सॉन विच एग्जिस्ट इन नेचर एज अ बायोलॉजिकली कोहेसिव यूनिट। क्लियर? ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली आपके एग्जाम में आती है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। A true species consists of a population which is basically क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से बच्चों पढ़िए क्वेश्चन को, आंसर लगाइए, पढ़िए क्वेश्चन को फिर आंसर लगाइए। थर्टी सेकेंड्स का टाइम है आप लोगों के पास में, फटाफट से आंसर लगाइए बच्चों। क्लियर, देखिए क्या लिखा है कि ट्रू स्पीसीज कौन सी है जो क्या क्या सेम निके शेयर करती है, क्या वो हो सकती है, क्या इंटरब्रीडिंग कर सकती है, या वो हो सकती है, या फीडिंग ओवर दी सेम फूड क्या वो हो सकती है, या फिर जियोग्राफिकली आइसोलेटेड क्या वो हो सकती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इंटरब्रीडिंग। क्लियर, सो एज पर द डेफिनेशन गिवन बाय अर्नस्ट मेयर इन 1964 आई स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियली इनब्रीडिंग पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि अर्नस्ट मेयर, आपने सुना होगा आपके लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से पहले एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन दे रखा है आपके एनसीईआरटी बुक में, अगर आपने पढ़ा हो तो। देखिए बच्चों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जो है एनसीईआरटी का हर एनसीईआरटी सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी का हर एक पेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हर वो पेज जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका चैप्टर से शुरू होकर जो दो साइंटिस्ट के नेम आपको दे रखे होते हैं दो पेजेस में वो लिखे हों, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि अर्नस्ट मेयर का जो जिक्र है वो कितने क्वेश्चंस में आ चुका है, राइट, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको याद करना है, ठीक है। और मैंने पहले ही आपसे कहा था कि बायोलॉजी में आपको चीजें समझनी में है और याद भी करनी है, आप सभी जानते होंगे कि बायोलॉजी में याद तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हर चीज को आप जो है याद मत करिए, लेकिन हर चीज को नहीं, लेकिन जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, खासकर टैक्सोनॉमी वाले हिस्से में ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, राइट, बिकॉज इसको आप कहाँ तक समझेंगे, समझने वाला कुछ है ही नहीं इसमें, आपको जो है याद करना है, जहां पे समझने वाला है वहां पर मैं आपको समझा भी रहा हूं, लेकिन आपको एज इट इज इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको याद करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एनिमल किंगडम है, वहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कैसे याद करने हैं, कुछ ट्रिक्स हो सकती हैं, वो ट्रिक्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, लेकिन क्या है कि आपको जो है याद तो माय डियर फ्रेंड्स करना ही पड़ेगा यार, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर सपना देखा है तो सपने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्लियर, तो याद तो करना ही पड़ेगा हमें। तो क्या लिखा है हमारे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से पहले अर्नस्ट मेयर क्या कह रहे हैं, तो अर्नस्ट मेयर ये कह रहे हैं कि स्पीसीज इज ग्रुप ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियली इनब्रीडिंग पॉपुलेशन, ठीक है, दैट आर रिपोर्टेडली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स। मतलब कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो स्पीसीज है, स्पीसीज है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, क्या है, आइसोलेटेड है, क्लियर, जो स्पीसीज है आपकी वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से बच्चों एक बार इसका आंसर लगा दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर फटाफट से आ जाना चाहिए इसका। इन टैक्सोनॉमिकल इन बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। बताइए एक ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, एक ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म जिस ग्रुप में हो, विच इज कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड, उन्हें आप क्या बोलेंगे, बताइए बच्चों। वो एक ग्रुप बताइए, क्या वो फैमिली हो सकता है, क्या वो ट्राइब हो सकता है, क्या वो आपका जीनस हो सकता है, क्या वो आपका स्पीसीज हो सकता है, बताइए क्या होगा, वो कौन सा ग्रुप होगा जहां पर ऑर्गेनिजम्स इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है, और मतलब रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मतलब क्या होता है कि जो उनकी ऑफस्प्रिंग होगी वो भी रिप्रोडक्शन कर सकती है, तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को वो लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो कौन सा ग्रुप है वो वाला, बताइए बच्चों, क्या फैमिली है, नहीं है, ट्राइब है, नहीं है, जीनस है, नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या हुआ हमारा, स्पीसीज,
क्लियर, स्पीसीज एक ऐसा ग्रुप है जिसके सभी ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। एक जैसी स्पीसीज का जो ग्रुप होता है वो लोग सिमिलर ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेम ग्रुप। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इट इज अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन बच्चों। अगर ये क्वेश्चन आपसे गलत हो गया ना तो फिर आप एक काम करो, फिर आप नीट की तैयारी छोड़ दो। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है दैट मीन्स आपने चैप्टर ठीक से पढ़ा ही नहीं अभी तक है, आप तैयारी बहुत लाइटली कर रहे हैं। हमको हार्ड वर्क करना है माय डियर फ्रेंड्स, हार्ड वर्क करना है हमको। तो मैंजिफेरा इज अ क्या, एक वो वैरायटी है क्या, जीनस है क्या, स्पीसीज है क्या, क्लास है क्या है वो? क्या है, वैरायटी है, जीनस है, सब स्पीसीज है या फिर क्लास है, क्या है मैंजिफेरा? मैंजिफेरा क्या है माय डियर फ्रेंड, क्या क्लास है? नहीं। क्या स्पीसीज है? नहीं। क्या वैरायटी है? नहीं। इसका मतलब क्या है, एक वो जीनस है। सो मैंजिफेरा इज द जीनस एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज व्हाट? साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंजिफेरा इंडिका। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज व्हाट? साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंजिफेरा इंडिका। एंड इंडिका इज व्हाट? इंडिका इज स्पीसीज। इंडिका इज व्हाट? इंडिका इज स्पीसीज। ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है, मैंने बहुत बार आपको बताया है। ये जीनस इसका क्या होगा? मैंजिफेरा होगा। क्लियर, नेक्स्ट तब भी करेक्ट होगा, इसका मतलब जीनस होगा। ठीक है, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड। क्या होगा, जीनस किसका ग्रुप होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड। आपकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन में यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों, फटाफट से आंसर लगाइए इसका। एनसीईआरटी की डेफिनेशन है आपके सामने, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है आपके सामने बच्चों। डेफिनेशन है आपके सामने एनसीईआरटी की, फटाफट से आंसर लगाइए इसका। जीनस इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड। क्या है इसका आंसर? ठीक है, सॉल्व करते हैं। जीनस क्या है, क्या क्लास है? नहीं हो सकता है। फाइलम है? नहीं है। ऑर्डर है? नहीं है। इसका मतलब बचा क्या? स्पीसीज। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड स्पीसीज। इसको आप याद कर लीजिए, बिकॉज जीनस की डिफिनेशन भी आती है आपके एग्जाम में कि जीनस क्या है। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड स्पीसीज, राइट? क्लियर, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ ग्रुप और असेंबलेज ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच रिजेंबल वन अनदर इन सर्टेन कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। कोरिलेटेड कैरेक्टर्स आर दोज सिमिलर और कॉमन फीचर्स विच आर यूज्ड इन डिलिमिनेशन ऑफ वेरियस टैक्सा। द स्पीसीज ऑफ जीनस डिफर फ्रॉम स्पीसीज ऑफ रिलेटेड जीनस इन वन और मोर कैरेक्टर्स। ऑल द स्पीसीज ऑफ अ जीनस आर थॉट टू हैव द इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। तो आपसे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जो जीनस है इट इज द ग्रुप और असेंबलेज ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है, जो जीनस है वो एक ग्रुप होता है रिलेटेड स्पीसीज का विच रिजेंबल वन अनदर इन सर्टेन कोरिलेटेड कैरेक्टर्स, क्योंकि एक दूसरे की तरह दिखती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। उन दोनों के बीच में कुछ कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं, राइट? एंड कोरिलेटेड कैरेक्टर्स आर दोज सिमिलर एंड कॉमन फीचर्स विच आर यूज्ड इन डिलिमिनेशन ऑफ वेरियस टैक्सा। मतलब कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं वेरियस टैक्सा के बीच में, वेरियस कैटेगरी के बीच में, वेरियस स्पीसीज के बीच में। स्पीसीज ऑफ वन जीनस डिफर फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ अदर जीनस इन वन और मोर कैरेक्टर्स। मतलब एक जीनस की जो स्पीसीज होगी वो दूसरे जीनस की जो स्पीसीज होंगी उससे कुछ डिफरेंट होंगी, राइट? ऑल द स्पीसीज ऑफ अ जीनस आर थॉट टू बी इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। एक जीनस के सभी स्पीसीज जो हैं उनका वो कहां से इवॉल्व होती हैं? वो एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व होती हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अ कलेक्शन ऑफ स्पीसीज विच बियर अ क्लोज रिजेंबलेंस टू वन अनदर इन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ द फ्लोरा पार्ट इज नोन एज। फटाफट से बच्चों इसका आंसर लगाइए। स्पीसीज का कलेक्शन विच बियर अ क्लोज रिजेंबलेंस टू वन अनदर इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ द फ्लोरा पार्ट इज नोन एज। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है।
66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। देखिए ईमानदारी आपको दिखानी है माय डियर फ्रेंड्स, ईमानदारी आपके काम आने वाली है, ठीक है। तो ईमानदारी आपको दिखानी है। अ कलेक्शन ऑफ स्पीसीज विच बी अ क्लोज रिजेंबलेंस टू वन अनदर इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स इज नोन एज, क्या होगा इसका आंसर? अरे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे कह रहा है कि स्पीसीज का कलेक्शन जो कि जो है क्लोज रिजेंबलेंस रखता है टू वन अनदर, मतलब एक स्पीसीज का कलेक्शन दूसरे स्पीसीज के कलेक्शन से क्लोज रिजेंबलेंस रखता है इन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, बाहरी कैरेक्टर से ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स इज नोन एज। तो मैंने अभी आपसे कहा ना क्या होगा कि जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज, कलेक्शन ऑफ स्पीसीज, तो इसका आंसर क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? जीनस होगा इसका आंसर। क्लियर? ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से क्वेश्चन आप लोग देखिए, हर क्वेश्चन आसान है। इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की द कैट्स आर प्लेस्ड अंडर द जीनस, अब ये क्वेश्चन आप ही को बताना है, बताइए बच्चों टैक्सोनॉमिक हायरार्की में कैट्स किस जीनस में आती हैं? मैंने एक बार नहीं बार बार आपको बताया था, बार बार मैंने आपसे कहा था कि आपको याद रखना है, आपकी एनसीईआरटी में पॉइंट वाला मेंशन है। फटाफट से वीडियो पॉज करो और आंसर लगाओ इसका, वीडियो पॉज एंड आंसर लगाओ, क्या होगा इसका आंसर? क्या पेंथरा होगा? नहीं, पेंथरा में क्या आते हैं आपके, लॉयन आता है, टाइगर आता है, ठीक है, और क्या आता है आपका, लेपर्ड आता है, तो पेंथरा नहीं हो सकता है। क्या कैनिस हो सकता है? ये डॉग फैमिली है, का मतलब आंसर क्या होगा? पैलेस, पैलेस क्या है? एक कैट फैमिली है। क्लियर? तो डॉग फैमिली क्या होगी आपकी, सॉरी, अरे मैं फैमिली बोल रहा हूँ, सॉरी बच्चों, सॉरी 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 सॉरी। देखिए मेरा जो मकसद यहाँ बोलने का वो है आपका जीनस, तो डॉग का जो जीनस होगा वो क्या होगा, कैनिस होगा, और लॉयन का जीनस होगा वो पेंथरा होगा, टाइगर का भी पेंथरा होगा, लेपर्ड का भी पेंथरा होगा, और जो कैट का जो जीनस है वो क्या होगा, पैलेस होगा। और कैट की फैमिली को हम लोग क्या बोलेंगे, फेलिडी बोलेंगे, और इसे फेलिडी में आता है आपका जीनस फेलिस भी आता है और जीनस पेंथरा भी आपका आता है इसमें। क्लियर? और डॉग की फैमिली को क्या बोलेंगे हम लोग, कैनेडी बोलेंगे, कैनेडी बोलेंगे। क्लियर? तो फैमिली फेलिडी में क्या क्या आते हैं आपके, दो जीनस आते हैं, फैमिली फेलिडी में क्या आते हैं आपके, दो जीनस आते हैं, कौन कौन से आपके दो जीनस आते हैं, पहला आपका आता है फेलिस, दैट इज कैट, कैट, ठीक है, एंड दूसरा कौन सा आता है आपका, जीनस पेंथरा आता है आपका, जिसमें आपके क्या क्या आते हैं, लॉयन आता है आपका, टाइगर आता है, ठीक है, और कौन सा आता है आपका, लेपर्ड आता है, राइट। तो फैमिली फेलिडी में दो जीनस आते हैं, पहला फेलिस आता है जो कि कैट होता है, फिर पेंथरा आपका आता है जो कि इसमें लॉयन, टाइगर और लेपर्ड आता है, दूसरी फैमिली है कैनेडी, ये भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में आती है कैनेडी, कैनेडी में क्या आते हैं, ये बेसिकली आपकी जो है वो डॉग फैमिली होती है, डॉग फैमिली होती है, और इसमें आपका जीनस है वो क्या होता है डॉग का, कैनेस। याद रखना है, यहाँ पर हमारे तीन क्वेश्चंस बन गए हैं, ठीक है, तीन क्वेश्चंस हमारे यहाँ बन गए हैं, आपको याद रखना है इनकी फैमिलीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी तक जो क्वेश्चन थे वो तो आपकी एनसीईआरटी से आ रहे थे, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसको बहुत ध्यान से देखिए, उसके बाद में इसका आंसर लगाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट से बच्चों इसका आंसर लगाइए। मैं इसको करने के लिए आपको 40 सेकेंड दे रहा हूँ, 40 सेकेंड टाइमर सेट करो और आंसर लगाओ, 40 सेकेंड यू हैव, फटाफट से बच्चों आंसर लगाइए इसका, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फटाफट से आंसर लगाइए इसका। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फटाफट से आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन, 40 सेकंड्स का टाइम मैं खुद आपको दे रहा हूं, 40 सेकंड्स का टाइम मैं खुद आपको दे रहा हूं बच्चों, फटाफट से इसका आंसर लगाओ। क्या बच्चों क्या लिखा है, इन द जियोलॉजिकल नेम ऑफ फिश कतला कतला द स्पेसिफिक नेम और द स्पीसीज नेम इज आइडेंटिकल विद द जेनेरिक नेम, दस इज एन एग्जांपल ऑफ,
बताइए, जहां पर जीनस और स्पीसीज दोनों का नाम सेम रहेगा वो किसका एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है जहां पर दोनों का नाम सेम रहेगा। टाइम लीजिए अपना और आंसर बताइए। ठीक है, आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया हो क्वेश्चन को। ठीक, क्या होगा देखिए, जहां पर स्पीसीज और जीनस दोनों का नाम सेम रहता है, ये क्वेश्चन अपने दिमाग में भर लो। जहां पर सेम आपको स्पीसीज देखने को मिले, स्पीसीज नेम भी आपका सेम हो, सेम स्पीसीज नेम एंड सेम जीनस नेम, सेम जीनस नेम, देन इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, टॉटोनेम। इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, टॉटोनेम इसका एग्जांपल होगा, टॉटोनेम का जो एग्जांपल है ये वाला। ठीक है, तो जहां पर स्पीसीज का नाम और जीनस का नाम एक समान हो, सेम नेम ऑफ जीनस एंड स्पीसीज, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ टॉटोनेम। ठीक है, फिर देख लीजिए एक बार, टॉटोनेम आर द साइंटिफिक नेम्स इन विच द बोथ जेनेरिक एंड द स्पेसिफिक एपिथेट आर द सेम। टॉटोनेम में बोथ स्पीसीज और जीनस का नाम क्या रहेगा, सेम रहेगा। एंड टॉटोनेम्स आर यूज्ड इन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये टॉटोनेम्स कहाँ यूज होते हैं, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में यूज होते हैं, इसका मतलब एनिमल के एनिमल को नाम देने में यूज होते हैं। However, in the current rules for nomenclature of living organism, the tautonames are explicitly prohibited. For example of tautonames are the rattus rattus rat, katla katla katla, ये एक fish की variety है, gorilla gorilla, ये basically gorilla का scientific name है। तो ये आपको ये example भी याद रखने हैं, क्या इसके example है tautonames के। पहली बात तो ये जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में होता है, यहाँ पर सेम जीनस और सेम स्पीसीज का नाम जो है वो सेम रहता है, सॉरी स्पीसीज और जीनस का नाम जो है वो सेम रहता है, क्लियर। उसके एग्जांपल आपको याद रखने हैं, एग्जांपल क्या है, रैट, तो रैटस रैटस, रैटस रैटस क्या होगा, रैट होगा, क्लियर, रैटस रैटस रैट होगा। कतला कतला क्या होगा, कतला कतला ये फिश की वैरायटी है, कतला फिश होती है एक, उसकी वैरायटी तो कतला होगा। सेकंड क्या होगा, गोरिल्ला गोरिल्ला, ये गोरिल्ला का साइंटिफिक नेम है, क्लियर। क्या आप देख लीजिएगा, तीनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इन्हीं तीनों एग्जांपल से क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन के अंदर, तो आपको याद रखना है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है माय डियर फ्रेंड्स, फटाफट से एक बार इसका आंसर लगा दीजिए, क्या होगा कि विच इज ऑड वन इन द फॉलोइंग सीरीज, बताइए इनमें से कौन सा ऑड है। इनमें से कौन सा ऑड है बताइए बच्चों, बताइए कौन सा इसमें से ऑड है, क्या सेपियंस ऑड है, देखते हैं, ये तो स्पीसीज है होमो सेपियंस, क्या अमेरिकाना है, ये भी स्पीसीज है, इसका मतलब ये दोनों सेम है, इसका मतलब यहाँ पर बात चल रही किसकी है, स्पीसीज की बात चल रही है। क्या रोटंडस स्पीसीज है, बिल्कुल है। क्या हेमीडेक्टाइलस स्पीसीज है, नहीं है, इसका मतलब ऑड वन क्या होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, हेमीडेक्टाइलस क्या होता है, कि जीनस होता है। ठीक है, स्पीसीज एंड सॉरी सेपियंस अमेरिकाना एंड द रोटंडस आर द स्पेसिफिक नेम्स, वेयर एज हेमीडेक्टाइलस इज अ जेनेरिक नेम। ठीक है, सो हेमीडेक्टाइलस क्या है, ये एक जीनस है, वेयर एज सेपियंस अमेरिकाना एंड रोटंडस क्या है, ये बेसिकली स्पीसीज है, क्लियर। तो ये वाला एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन बनता है, राइट बच्चों, आपको याद रखना है क्वेश्चन ये वाला भी, क्लियर। आगे बढ़ा जाए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से एक बार आंसर लगा दीजिए। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ फैमिली इज, वो कौन से टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जो कि फैमिली के लेवल से नीचे है, बताइए, क्या वो क्लास है, क्या वो आपका स्पीसीज है,
क्या वो फाइलम है, क्या वो जीनस है? फटाफट से बच्चों एक बार आंसर। क्लास है, नहीं हो सकती है क्लास, क्यों नहीं सकती? बिकॉज फैमिली से ऊपर क्या आएगा, ऑर्डर, ऑर्डर से ऊपर क्या आएगा, क्लास का मतलब क्लास नहीं है। जीनस मतलब जीनस हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। स्पीसीज तो जीनस से भी नीचे आती है और फाइलम तो सबसे ऊपर आता है, राइट? तो इसका आंसर क्या हुआ? जीनस। फैमिली से नीचे क्या आती है? फैमिली से नीचे क्या आता है? जीनस आता है। और फिर जीनस से नीचे क्या आती है? स्पीसीज आती है। और यहाँ पर क्या पूछा है? बिलो द लेवल ऑफ फैमिली, फैमिली के नीचे कौन सा है, राइट? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल लेफ्ट और राइट की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट से आपको आंसर लगाना है यहाँ पे। इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की जीनस इज इंटरपोलेटेड बिटवीन, जीनस किन के बीच में आता है? क्या किंगडम और क्लास के बीच में आता है, क्या फाइलम और ऑर्डर के बीच में आता है, क्या ऑर्डर एंड स्पीसीज के बीच में आता है, या फिर फैमिली एंड स्पीसीज के बीच में आता है? अरे बच्चों अभी हमने बताया कि फैमिली और स्पीसीज के बीच में आता है जीनस आपका, ठीक है? उसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की जीनस इज इंटरपोलेटेड बिटवीन द फैमिली एंड द जीनस, आपको वो क्रम याद रखना है जो आपकी एनसीईआरटी में बताया गया है, राइट बच्चों? नेक्स्ट एग्जाम्पल, रिलेटेड जेनरा बिलोंग टू द सेम, जीनस के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटेड जेनरा बिलोंग टू द सेम, बताइए बच्चों। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। एग्जैक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी, एग्जैक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी, राइट? एग्जैक्ट लाइन, बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से एक बार फटाफट से आंसर लगाइए इसका। बताइए बच्चों इसका आंसर, क्या वो स्पीसीज है? नहीं हो सकती है, बिकॉज क्या पूछ रहे हैं? ग्रुप पूछ रहे हैं, किसका? जीनस का ग्रुप। तो किसमें आएगा? क्या वैरायटी हो सकती है? नहीं। क्या ब्रीड हो सकती है? नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? फैमिली। तो फैमिली इज द ग्रुप ऑफ व्हाट? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, रिलेटेड जेनरा, राइट? माय डियर फ्रेंड्स, इट इज एग्जैक्ट लाइन ऑफ योर एनसीईआरटी, तो अपनी एनसीईआरटी को गंभीरता से पढ़िए, राइट? सो फैमिली इज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच कंटेन्स वन और मोर रिलेटेड जेनरा, ऑल द जेनरा ऑफ अ फैमिली हैव कॉमन फीचर्स एंड दे आर सेपरेबल फ्रॉम द जेनरा ऑफ द रिलेटेड फैमिली बाई इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस। मतलब क्या बोल रहे हैं आपसे? आपको बस ये याद रखना है कि जो फैमिली है वो क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ जेनरा, और कौन से जेनरा? रिलेटेड जेनरा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द सफिक्स ओईडी इज यूज्ड फॉर, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ओईडी सफिक्स किसके लिए यूज करते हैं बच्चों? फटाफट से आंसर लगाओ। बच्चों फटाफट से आंसर लगाओ इसका। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह इसका इसलिए मैं आपको इसका एग्जैक्ट आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर क्या होगा? स्टेप फैमिली होगा, राइट? अकॉर्डिंग टू ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, द नेम्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज मस्ट एंड इन द स्टैंडर्ड सफिक्स फॉर प्लांट्स, ठीक है? According to International Code for Botanical Nomenclature, the names of different categories must end in the standard suffix for plants. ठीक है, the name of a plant subfamily ends with the OAD. एक subfamily है, ठीक है, वो क्या होगा? इसका जो suffix होगा वो क्या होगा? OED होगा. Clear? Next. 74 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, द फैमिली इज इंटरपोलेटेड बिटवीन, फैमिली किनके बीच में आती है? फैमिली किनके बीच में आती है? कौन कौन से टैक्सोन हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जहां पर फैमिली उनके बीच में आती है? क्या वो किंगडम और क्लास है? क्या वो क्लास और ऑर्डर है? क्या वो ऑर्डर और जीनस है, या फिर वो क्लास और जीनस है? फटाफट से बच्चों एक बार आंसर लगाइए इसका, फटाफट से बच्चों एक बार आंसर लगा दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर।
इट इज नॉट फ्रॉम योर एनसीईआरटी बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज नॉट फ्रॉम योर एनसीईआरटी बट इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं वाले क्वेश्चन में आते हैं, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमको याद करके रखना है. राइट, तो फैमिली कहाँ पे आती है? क्या किंगडम और क्लास के बीच में आती है? नहीं यार. क्लास और ऑर्डर के बीच में आती है? नहीं यार. तो कहाँ पर आती है? ऑर्डर और जीनस के बीच में आती है? हाँ बिल्कुल आती है. क्लास और जीनस के बीच में आती है? नहीं यार. ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है. तो इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की द फैमिली इज इंटरपोलेटेड बिटवीन द ऑर्डर एंड द जीनस. ऑर्डर और जीनस के बीच में आती है. विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल द अदर्स. कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जिसके अंदर सभी आते हैं? बताइए बच्चों, फटाफट से आंसर लगाइए. मतलब आपको ये बताना है यहाँ पे कि सबसे बड़ी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी है. राइट, क्या स्पीसी सबसे बड़ी है? क्या जीनस सबसे बड़ा है? क्या फैमिली सबसे बड़ी है? क्या ऑर्डर सबसे बड़ा है, जिसमें सब आ जाएं? तो देखिए क्या यहाँ पर कह रहा है आपसे कि स्पीसीज क्या होती है? लोएस्ट होती है. तो मतलब स्पीसीज से ऊपर क्या आएगा? जीनस आएगा. और फिर जीनस से ऊपर क्या आएगा आपका? फैमिली आएगा. राइट, फैमिली से ऊपर क्या आएगा आपका? ऑर्डर आएगा. तो मतलब आंसर क्या हुआ हमारा? ऑर्डर. क्लियर. नेक्स्ट, ऑर्डर बीइंग द हाईएस्ट कैटेगरी. ठीक है, ऑर्डर बीइंग द हाईएस्ट कैटेगरी, इससे मत जाइएगा, टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाती है. तो ऑर्डर हाईएस्ट कैटेगरी है अमंग द गिवन कैटेगरी. जो भी कैटेगरीज हमको यहाँ पर दे रखी हैं उनमें से जो ऑर्डर है वो हाईएस्ट कैटेगरी है. दैट इज फैमिली जीनस स्पीसीज एंड ऑर्डर इंक्लूड्स ऑल द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. इसका मतलब ऑर्डर में सभी चीजें आ जाएंगी. इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि द नेम ऑफ अ प्लांट ऑर्डर एंड्स विद. मतलब ऑर्डर का जो सफिक्स होगा वो क्या होगा? ऑर्डर का जो सफिक्स है वो क्या है? फटाफट से बच्चों एक बार आंसर लगाइए. ऑर्डर का जो सफिक्स है वो क्या है? ऑर्डर का सफिक्स जो है वो क्या है? सफिक्स वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, तो आपको याद रखने पड़ेंगे. राइट, फैक्चुअल क्वेश्चन हैं सारे, याद करने की जरूरत है इनको. आप समझने की कोशिश मत करिएगा, याद करिए इनको. ठीक है, मैं खुद बोल रहा हूँ कि आपको इनको याद करना है. फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है सारी. राइट, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं आपसे है द नेम ऑफ अ प्लांट ऑर्डर एंड्स विद. वो कौन सा प्लांट ऑर्डर है जरा बताइए. तो वहां पे क्या होगा प्लांट्स ऑर्डर में? एल्स आता है. इसका मतलब क्या होगा आपका आंसर? एल्स इज द करेक्ट आंसर. ऑर्डर इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज. फॉर एग्जांपल द फैमिली सोलेनेसी इज प्लेस्ड इन द ऑर्डर द पॉलीमोनियस अलोंग विद फोर रिलेटेड फैमिली दैट इज कॉन्वोलियसी. और ये फोर जो फैमिलीज हैं ये आपके एग्जाम में नहीं आती हैं, तो आपको ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है. बस आपको ये याद रखना है कि जो ऑर्डर का जो सफिक्स है वो क्या होता है? एल्स होता है. ठीक है, बस आपको ये याद रखना है. फैमिली आपके एग्जाम में नहीं आती, कौन कौन सी फैमिली आएंगी. ठीक है, नेक्स्ट, और गोरिल्ला को आप किस ऑर्डर में प्लेस करेंगे? गोरिल्ला को आप कौन से ऑर्डर में प्लेस करेंगे, जरा आंसर बताइए इसका. क्या वो कार्निवोरा है? क्या वो डिप्टेरा है? क्या वो सेपेंडल्स है? क्या वो प्राइमेटा है? क्या है वो? किस ऑर्डर में आप उसको प्लेस करेंगे? गोरिल्ला को आप किस में प्लेस करेंगे? गोरिल्ला को किसने प्लेस करोगे माय डियर फ्रेंड्स? तो क्या वो कार्निवोरा है? नहीं. क्या वो डिप्टेरा है? डिप्टेरा क्या होता है? इंसेक्ट्स का ऑर्डर होता है. ठीक है, क्या वो सेपेंडल्स है? नहीं यार, ये तो मैंगो का ऑर्डर है. राइट, और क्या प्राइमेटा है? बिल्कुल है प्राइमेटा. तो प्राइमेटा ऑर्डर में हम लोग गोरिल्ला को प्लेस करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग क्या है, आंसर लगाइए बच्चों. कैटलॉग क्या है आपकी एनसीईआरटी में सबसे आखिर में दे रखा है कैटलॉग के बारे में. आंसर लगाइए बच्चों, कैटलॉग क्या होगा? आंसर लगाइए बच्चों, कैटलॉग क्या होगा? कैटलॉग क्या होगा?
लिस्ट और रजिस्टर कंटेनिंग नेम्स ऑफ ऑल द स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस में पाई जाने वाले सभी स्पीसीज को लिस्ट करना और रजिस्टर करना क्या होता है, कैटलॉग होता है, इसका मतलब क्या हुआ आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। डैश 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 आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, ठीक है, क्या है जो हमारी हेल्प करती है इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए और फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया, स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमारी हेल्प करती है वो क्या चीज है, बताइए बच्चों इसका आंसर, फटाफट से बच्चों इसका आंसर बताइए। आपकी एनसीईआरटी की आखिर में दे रखा है इन सब के बारे में, मैनुअल्स क्या है, फ्लोरा क्या है, फौना क्या है, मोनोग्राफ्स क्या है, कैटलॉग्स क्या है, आखिर में दे रखा है, आपको पढ़ना है, वहां सभी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका मैनुअल्स, मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूरल करेक्टर्स आर कॉमनली यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, बताइए कौन से प्लूरल करेक्टर्स होते हैं जिनका हम लोग कॉमनली यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के आइडेंटिफाई करने के लिए, आंसर क्या है बच्चों, क्या वो फ्लावर के पास में वेरियस कलर और सेंट्स होते हैं, क्या ये करेक्टर्स है, नहीं यार, क्या वो फ्लावर जो है अच्छा वर्क करते हैं, नहीं, क्या वो फ्लावर सेफली हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, यह भी नहीं, इसका मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए दैट इज रिप्रोडक्टिव ट्रेड्स आर मोर कंजर्वेटिव, राइट। सो फ्लोरल कैरेक्टर दैट आर कॉमनली यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म बिकॉज रिप्रोडक्टिव ट्रेड्स आर मोर कंजर्वेटिव, क्लियर बच्चों, क्लियर है ना आप लोगों को, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। फिर उसके बाद में नेशनल जूलॉजिकल पार्क इज सिचुएटेड एट, नेशनल जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, क्या दिल्ली में है, लखनऊ में है, जयपुर में है या फिर दार्जिलिंग में है, कहाँ पर है नेशनल जूलॉजिकल पार्क, कहाँ पर है, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर और दार्जिलिंग, फोर ऑप्शन आपके सामने, किसी एक आंसर को आपको चूज करना है, फटाफट से आंसर लगाओ इसका, कहां पर है, तो नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो है वो आपका दिल्ली में है, ठीक है, राजधानी में है, कहां है, ठीक, तो कहां पर है आपका, दिल्ली में है आपका, क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, नेक्स्ट क्या है आपका, ई इज अ टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ईच स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड अ, बताइए बच्चों की में जो है क्या होता है, ये एक टैक्सोनॉमिकल एड है, इसमें जो है फॉर द इट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन की में जो है वो दो स्टेटमेंट होती है, दो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग कपलेट बोल रहे होते हैं, उन दो स्टेटमेंट में से हर एक स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं उसको आपको बताना है। अभी मैंने क्या बोला कि दो स्टेटमेंट होती है तो उसको हम लोग कपलेट बोल रहे होते हैं, इसका मतलब कपलेट तो इसका आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर पूछ रहा है एक स्टेटमेंट को, हर एक स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका, देखिए कपलेट इसका मतलब इसका आंसर नहीं होगा, इसका मतलब बोथ ए एंड बी भी इसका आंसर नहीं होगा, राइट, और नन ऑफ दीज भी इसका आंसर नहीं होगा, बिकॉज इसका आंसर क्या है, लीड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं, क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। Is a taxonomical aid used for the identification of organism and each statement in a key is called a lead. Clear? हर एक स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, लीड बोल रहे होते हैं, वेरी क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो की क्या है, ये टेक्सोनॉमिकल एड है, इट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, ठीक है, ये किस पर बेस्ड होता है आपको याद रखना है, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के ऊपर ये वाला बेस्ड होता है कि आपका, एंड कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, मैंने आपसे बोला था कि कीज में क्या होगा, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स होंगे, एक सिमिलैरिटी होगी और एक डिसिमिलैरिटी होगी, दो स्टेटमेंट होंगी, दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग, कपलेट बोलेंगे,
ठीक है, दोनों में से हमें क्या चूज करना होगा, एक स्टेटमेंट को हमें चूज करना होगा, दूसरे को हमें क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? दो स्टेटमेंट हमारे पास में होंगी, एक को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, दूसरे को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। राइट, क्लियर? तो ये चीज यहाँ पर होती है कि कपलेट में जो है वो दो स्टेटमेंट होती है, एक को आपको एक्सेप्ट करना है, दूसरे को क्या करना है, रिजेक्ट करना है। एंड इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस विच रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन। मैंने कहा ना आपसे केवल एक को आप एक्सेप्ट करेंगे, एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर इज स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड लीड। राइट राइट माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन, 83 क्वेश्चन हम लोग अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आप समझिए कितना नंबर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं एक चैप्टर से, ठीक है? और सभी क्वेश्चन, हर एक पॉसिबल क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं यहाँ से, हर एक पॉसिबल क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है बच्चों, फटाफट से आंसर लगा दीजिए। द मोस्ट कन्वीनियंट वे फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय अप्लाइंग डायग्नोस्टिक फीचर्स इज द यूज ऑफ। बच्चों फटाफट से आंसर लगाइए इसका, 30 सेकेंड्स का टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर लगाइए। मोस्ट कन्वीनियंट वे क्या है फॉर द इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय अप्लाइंग डायग्नोस्टिक फीचर इन द यूजेस ऑफ, बताइए बच्चों इसका आंसर। देखो क्या बोल रहा है आपसे, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों बोल रहा है, इसका मतलब बोटानिकल गार्डन्स और हर्बेरिया नहीं हो सकता है, बिकॉज इन दोनों में हम केवल प्लांट्स की बात कर रहे होते हैं। क्लियर? दोनों में केवल किसकी बात कर रहे होते हैं, प्लांट्स की बात कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही हमारे गलत हो गए हैं। कॉमन सेंस का बच्चों यूज करिए आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते टाइम, केवल प्लांट्स नहीं एनिमल्स की भी बात कर रहा है, तो इसका मतलब बोटानिकल गार्डन्स और हर्बेरिया आपके दोनों वैसे ही गलत हो गए। बचे क्या आपके, बचे आपके दो, कौन कौन से, म्यूजियम्स और टैक्सोनॉमिक कीज। तो म्यूजियम्स हो सकता है, लेकिन टैक्सोनॉमिक कीज क्या है, इसमें बेसिकली आपके सब आते हैं। तो मोस्ट कन्वीनियंट जो आपका वे है फॉर द इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो आप लोग क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिक कीज बोलेंगे। क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। राइट माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल क्लियर। अ कपलेट इन अ की इज, बताइए क्या होगा इसका आंसर। एक की के अंदर जो कपलेट होता है वो क्या होता है, अ कपलेट इन अ की इज, बताइए बच्चों फटाफट से आंसर लगाइए इसका, 30 seconds टाइम यू हैव, एंड इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी, एक्सेप्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी। राइट, डोंट मिस दिस क्वेश्चन, फटाफट से आंसर लगाइए इसका, फटाफट से बच्चों एक बार आंसर लगाइए इसका। अरे अभी मैंने बोला था यार आप लोगों से कि कपलेट में क्या होती है, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स होती है, ठीक है? इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर बच्चों, बिल्कुल क्लियर। तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है, देखिए मैं आपको बार बार हर एक क्वेश्चन में आपको बार बार इसलिए करवा रहा हूँ ताकि एक एक क्वेश्चन आपके दिल के अंदर उतर जाए, जब क्वेश्चन आप दोबारा देखें तो वो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। राइट, हर पॉसिबल क्वेश्चन जो बन सकता है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग घुमा करके जो क्वेश्चन बन सकता है वो भी हम आपको यहाँ पर करवा रहे हैं। तो हर पॉसिबल क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ यहाँ पे, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखना है आपको, उसके बाद में आपको सॉल्व करना है। क्लियर? इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाने वाला है, ठीक है? हर पॉसिबल क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जरा इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर फटाफट से एक बार जरा इसका आंसर हो जाए, फटाफट से बच्चों जरा इसका एक बार आंसर हो जाए। क्या लिखा है, द प्लांट्स ग्रोइंग इन एन एरिया सराउंडेड बाई एन ज्योग्राफिकल और द पॉलिटिकल बाउंड्री विल बी इंक्लूडेड इन, मतलब वो एरिया बताओ जहां पर हम प्लांट को ग्रो करते हैं, सराउंडेड बाई ज्योग्राफिकल और द पॉलिटिकल बाउंड्री विल बी इंक्लूडेड इन, बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। देखिए प्लांट्स की बात कर रहे हैं, कॉमन सेंस यूज करो यार, कि फोना नहीं हो सकता, बिकॉज फोना माने क्या होता है, एनिमल्स। तो मतलब दिस ऑप्शन इज करेक्ट। राइट, फिर उसके बाद में क्या आपसे पूछ रहा है, क्या इक्वेटिक इकोसिस्टम हो सकता है। देखिए इक्वेटिक नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज इक्वेटिक माने क्या होता है, इन वाटर। तो मतलब ये भी आपका गलत हो गया। क्लियर, ठीक है, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स ग्रोइंग इन एन एरिया, ठीक है, सराउंडेड बाई एन ज्योग्राफिकल और पोलिटिकल बाउंड्री विल बी इंक्लूडेड इन,
कौन क्या होगा, आपका फ्लोरा होगा, इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी नहीं हो सकता, इसका आंसर है। ठीक है, तो फ्लोरा इसका आंसर होगा, आपकी एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, इज द एग्जैक्ट लाइन ऑफ योर एनसीईआरटी, फ्लोरा, फ्लोरा इसका आंसर होगा। प्लांट्स ग्रोइंग इन एन एरिया सराउंडेड बाई एन जियोग्राफिकल एंड द पोलिटिकल बाउंड्री विल बी इंक्लूडेड इन फ्लोरा, राइट बच्चों, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ विच टैक्सोनॉमिक एड गिव्स कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ कंप्लीट कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ अ जीनस और फैमिली एट अ पर्टिकुलर टाइम, बच्चों इसका आंसर फटाफट से लगा दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग एक बार पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, राइट, तो फटाफट से एक बार जरा आंसर लगा दीजिए इसका फटाफट से। कौन सा टैक्सोनॉमिक एड है जहां पर हमको कंप्लीट कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी एक टैक्सोन की? सही है बच्चों, एक टाइम पर एक जीनस या एक फैमिली या एक टैक्सोन की जानकारी मिलती है, वो भी कंप्लीट कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन, वो कौन सा टैक्सोनॉमिक एड है बताइए? क्या वो टैक्सोनॉमिक कीज है? नहीं यार। क्या हर्बेरियम है? नहीं यार। तो क्या है? क्या मोनोग्राफ है? बिल्कुल है यार, केवल लिखी तो ऑप्शन बचा हमारे पास में, तो मोनोग्राफी है वो। तो मोनोग्राफ इज द टैक्सोनॉमिक एड विच गिव्स कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ कंप्लीट कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ एनी टैक्सोन एट अ पर्टिकुलर टाइम। क्लियर बच्चों, तो मोनोग्राफ के बारे में चीजें आपको याद रखनी है। मोनोग्राफ्स क्या है? मोनोग्राफ कंटेन डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सोन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम लीजिए इसके लिए, आंसर लगाइए। हार्ड क्वेश्चन, ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हम इसको कह सकते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, इट इज फ्रॉम आउट ऑफ एनसीईआरटी, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन एग्जाम में आता है, मैं पहले ही लिख के दे रहा हूँ आपको कि इट इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये वाला आपके लिए, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसमें टाइम लीजिए। आपको 40 सेकंड्स दे रहा हूँ, 40 सेकंड्स के लिए वीडियो पॉज करिए, उसके बाद में आंसर लगाइए इसका बच्चों, वीडियो पॉज करो फिर आंसर लगाओ इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे, फ्रॉम आउट ऑफ एनसीईआरटी, फटाफट से आंसर लगाइए इसका। बहुत अच्छे, वेरी क्लियर, ठीक है, ओके फाइन। क्या लिखा है यहाँ पे? थेरेंटोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद, थेरेंटोलॉजी क्या होती है थेरेंटोलॉजी? क्या वो डिटेक्शन ऑफ लाइफ है? नहीं यार, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि डेथ इन ऑल दैट इन ऑल इट्स एस्पेक्ट, ठीक है, तो थेरेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, बेसिकली मैं यहाँ पर आपको लिख के दे रहा हूँ, थेरेंटोलॉजी इज द साइंस is the science, मैं जरा साफ साफ आपको लिख देता हूँ, ठीक है ना, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, उस पर आप लोग मत जाइएगा, लेकिन मैं साफ साफ आपको लिख के दे रहा हूँ, रुकिए जरा, थेनेटोलॉजी क्या होती है, सॉरी बच्चों, थेनेटोलॉजी क्या होती है, थेनेटोलॉजी is the science, मेरे राइटिंग के ऊपर मत जाइएगा आप लोग, राइटिंग गंदी हो सकती है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है बिल्कुल सही है, दैट डील्स विद डेथ। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन आपके लिख रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार देख रहा हूँ, डेथ इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स। क्लियर बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन आपको एज इट इज याद रखनी है कि थेनेटोलॉजी क्या होता है, थेनेटोलॉजी इज दिस साइंस दैट डील्स विद डेथ इन ऑल इट्स ऑफ एस्पेक्ट। क्लियर बच्चों, बिल्कुल क्लियर, एज इट इज इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के अंदर आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, तो भैया इसको याद करो कि थेनेटोलॉजी क्या होती है, दिस साइंस दैट डील्स विद डेथ इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल,
88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, 88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट से एक बार जरा बच्चों आंसर लगा दीजिए इसका, क्या होगा इसका आंसर। द रीजन, चूज द रीजन फॉर डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी के लिए क्या कारण है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो डाइवर्सिटी है उसका कारण क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो डाइवर्सिटी है उसका कारण क्या है बच्चों, कारण क्या है बच्चों, डाइवर्सिटी का कारण क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो डाइवर्सिटी है उसका कारण क्या है। फटाफट से बच्चों आंसर लगाइए, ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं खुद आपसे बोल रहा हूँ डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लीजिए लेकिन आंसर लगाइए इसका। क्लियर, टाइम ले लो, टाइम ले लो, बिल्कुल टाइम ले लो अपना, लेकिन आंसर लगाओ इसका, डिफिकल्ट है लेकिन आंसर लगाना है हमें। क्लियर, तो कौन सा रीजन है वो भैया, वो रीजन ये है कि वहां पर क्या होते हैं, क्या आपको इन्वायरमेंटल कंडीशंस देखने को मिलती हैं, बिल्कुल नहीं। क्या वहां पर आपको जो है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस देखने को मिलते हैं, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा रीजन है डाइवर्सिटी का। वहां पर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस चल रहे होते हैं, सो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस इज द रीजन फॉर डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये भी आपको बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्लियर बच्चों, वेरी क्लियर, लॉन्ग टर्म मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, बिकॉज ये स्टेटमेंट एज इट इज आपके एग्जाम में आती है, एंड इट इज डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, इसलिए मैं आपको पूरी पूरी लाइन लिख के दे रहा हूँ। एवोल्यूशनरी चेंजेस, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशनरी चेंजेस, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशनरी चेंजेस इज द रीजन, इज द रीजन, इज द रीजन, इज द रीजन फॉर बायोडाइवर्सिटी, सॉरी, इज द रीजन फॉर डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बच्चों वेरी क्लियर, वेरी क्लियर बच्चों, तो लॉन्ग टर्म जो चेंजेस होते हैं एवोल्यूशनरी चेंजेस, वो क्या करते हैं, वो डाइवर्सिटी के लिए जिम्मेदार हैं, वो एक कारण है डाइवर्सिटी का, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको याद रहनी चाहिए। लिविंग स्टडी स्टेट हैज अ सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म इज कॉल्ड, बताइए कि लिविंग स्टडी स्टेट आप किसे बोलेंगे, लिविंग स्टडी स्टेट हैज अ सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म इज कॉल्ड। लिविंग स्टडी स्टेट के पास में क्या होता है, एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फटाफट से एक बार आंसर हो जाए इसका। लिविंग स्टडी स्टेट हैज अ सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म इज कॉल्ड, क्या वो आपका होमियोथर्मी होता है, नहीं यार, तो क्या फीडबैक मैकेनिज्म होती है, नहीं यार, तो क्या होता है, क्या वो आपका हेमोक्सीगोसिटी होता है, नहीं यार, तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास में, होमियोस्टेसिस। मैंने आपसे एक बार नहीं, 50 बार मैंने आपसे कहा था कि ये लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एक समान स्थिति को मेंटेन कर पाते हैं, वो अपने इंटरनल चीजों को मेंटेन कर पाते हैं। सो लिविंग स्टडी स्टेट हैज अ सेल्फ रेगुलेटरी, वो खुद से मेंटेन कर पाते हैं, तो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म इज कॉल्ड दी होमियोस्टेसिस। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एज इट इज स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, 90 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, समझ लीजिए अभी तक हम लोग 90 क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चों, बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर 90 क्वेश्चन। फटाफट से बच्चों एक बार आंसर लगाइए इसका। द एम ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स इज, बायोसिस्टमैटिक्स का जो एम है वो क्या है, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, या फिर द डिलिमिटिंग वेरियस टैक्सा ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एस्टैब्लिश देयर रिलेशनशिप, या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टैब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटैलिटी ऑफ द वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड्स ऑफ द स्टडीज, और द आइडेंटिफिकेशन एंड द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर टैक्सा ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। सही है बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन को देख कर घबराइए नहीं, पहली बात तो मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा, क्वेश्चन को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन तो बड़े बड़े आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे,
राइट बच्चों, आज सारे क्वेश्चंस करके ही चलेंगे अपने लोग। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा जरा बताइए। देखिए बड़े बड़े क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, हम सारे क्वेश्चंस एक साथ करेंगे, आज पूरा सेशन में हम लोग उसे कंप्लीट कर लेंगे। और कल से हम लोग चालू कर रहे हैं क्या अपना, हम चालू कर रहे हैं अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी है यूनिट, वहां पर हम सभी टेस्ट कर रहे होंगे। क्लियर, वेरी क्लियर, एकदम क्लियर बच्चों, ठीक है देखिए जरा इसको एक बार क्या लिखा है, क्या आपसे बोल रहा है कि द एम ऑफ बायोसिस्टमेटिक्स क्या होता है, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है क्या बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, नहीं यार, तो क्या होता है इसका, क्या होता है द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टैब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ स्टडीज, वेरी क्लियर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये बेसिकली क्या है, मैं ज्यादा आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आपको जो है ज्यादा आपको जो है लेफ्ट और राइट नहीं करना है, एग्जैक्ट आपको एज इट इज आपको याद कर लेना है बिकॉज ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे वो लोग पूछेंगे कि एम ऑफ बायोसिस्टमेटिक्स क्या है, एम ऑफ बायोसिस्टमेटिक्स क्या है, सेम एज इट इज क्वेश्चन आएगा, आपको ऐसे ही लिख लेना है एम ऑफ बायोसिस्टमेटिक्स क्या होगा। क्लियर बच्चों, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, न्यू सिस्टमैटिक्स टर्म को किसने दिया था, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, बताइए बच्चों इसका आंसर किसने दिया था, क्या बेंथम एंड हुकर ने दिया था, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, क्या बेंथम एंड हुकर ने दिया था, नहीं यार, क्या लिनियस ने दिया था, नहीं यार, क्या एपीडी कैंडोल ने दिया था, नहीं, तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास में, जूलियन हेक्सले, वेरी वेरी क्लियर, स्टेटमेंट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, वेरी क्लियर, ठीक है, एज इट इज आपको याद रखना है, राइट, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द टर्म बायोसिस्टमैटिक्स वाज कॉइन्ड बाय, बायोसिस्टमैटिक्स टर्म को किसने दिया था, बताइए बच्चों इसका आंसर फटाफट से एक बार, क्या बेंथम एंड हुकर, लिनियस, इंग्लर एंड दी प्रेंटल, या फिर कैम एंड गिली, बच्चों फटाफट से एक बार आंसर लगा दीजिए इसका, बेंथम एंड हुकर नहीं यार, लीनियस नहीं, एंग्लर एंड प्रेंटल नहीं, तो इसका आंसर क्या हुआ, कैंप एंड गिली, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, फटाफट से एक बार आंसर, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, सॉरी बच्चों फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कहीं पर भी लेफ्ट और राइट हमें नहीं करना है, राइट, टर्म बायोसिस्टमैटिक्स किसने दिया था आपका, कैंप एंड गिली, वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट द फर्स्ट ग्रेट टैक्सोनॉमिस्ट वॉज, कौन से थे फर्स्ट ग्रेट टैक्सोनॉमिस्ट, कौन से थे बताइए बच्चों, क्या वो इंग्लर थे, क्या वो डी कैंडोल थे, क्या वो हुकर थे, क्या वो लिनियस थे, फटाफट से बच्चों एक बार जरा आंसर लगा दीजिए इसका, कौन से थे वो, अरे यार एंग्लर नहीं हो सकते हैं क्योंकि बहुत बाद में आए, ठीक है, डी कैंडोल भी नहीं हो सकते हैं, हुकर भी नहीं, जब आप एनसीईआरटी कह रही है क्या कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्या कौन कौन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, टैक्सोनॉमी के पिता कौन है, भैया लीनियस है, तो इसका मतलब फर्स्ट टैक्सोनॉमिस्ट कौन हुए, वो लीनियस हुए ना, क्लियर, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, लीनियस सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपकी एनसीईआरटी में वाली लाइन लिखी हुई है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, लीनियस का जो प्लांट क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था वो किस पर बेस्ड था, इट इज अ लाइन फ्रॉम योर एनसीईआरटी, फटाफट से बच्चों जरा एक बार आंसर लगा दीजिए इसका, बच्चों फटाफट से एक बार देख लीजिए इसको, राइट बच्चों, जस्ट अ सेकंड बच्चों, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड बच्चों, ठीक है, राइट राइट राइट, ठीक, नेक्स्ट,
क्या है कि लीनियस का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो किस पर बेस्ड था, क्या वो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कैरेक्टर पर बेस्ड था, नहीं, क्या वो एवोल्यूशनरी ट्रेंड पर बेस्ड था, नहीं, इसका मतलब किस पर बेस्ड था आपका, वो आपका बेस्ड था आपका फ्लोरल कैरेक्टर्स पे, राइट बच्चों, किस पर बेस्ड था आपका फ्लोरल कैरेक्टर्स पे आपका बेस्ड था, क्लियर, फ्लोरल कैरेक्टर्स पे आपका बेस्ड था, क्या बेस्ड था, लीनियर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, क्लियर, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, नेक्स्ट The common characteristic between tomato and potato will be maximum at the level of their. बताइए कौन से टैक्सॉन पे सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे टोमेटो और पोटेटो के बीच में, फटाफट से बच्चों एक बार आंसर लगा दीजिए, बच्चों फटाफट से एक बार आंसर लगा दीजिए, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटेटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ, एट द लेवल ऑफ, फटाफट से बच्चों एक बार आंसर हो जाना चाहिए, क्लियर बच्चों, फटाफट से एक बार आंसर हो जाना चाहिए, क्लियर, क्या होगा आपका, क्या वो जीनस होगा, नहीं यार, डिवीजन होगा, नहीं यार, ऑर्डर होगा, नहीं यार, ऑप्शन क्या होगा, फैमिली, बहुत ध्यान से दिमाग का यूज करो यार, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है टोमेटो और पोटैटो के बीच में, मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ फैमिली के लेवल पे होती है, क्लियर, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं तो इनको लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि स्पीसीज वॉज डिफाइंड एज अ पॉपुलेशन ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर पॉपुलेशन बाई, बच्चों फटाफट से एक बार आंसर, स्पीसीज को हम डिफाइन करते हैं कि वो एक पॉपुलेशन होती है इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन होती है और एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से क्या होती है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है, राइट, तो बताइए ये डिफिनेशन किसने दी थी, भैया अभी हम लोगों ने देखा था, क्या वो चार्ल्स डार्विन ने दी थी, नहीं, क्या वो लैमार्क ने दी थी, नहीं, क्या वो कैरोल लिनियस ने दी थी, नहीं, मैंने आपसे कहा था कि आपके चैप्टर के पहले एक साइंटिस्ट का जिक्र दे रखा है आपके एनसीईआरटी ने, दैट इज अंस्टमेयर, अंस्टमेयर ने क्या कहा था, अंस्टमेयर ने कहा था कि स्पीसीज जो होगी वो क्या होगी, स्पीसीज जो होगी वो क्या होगी, इंटरब्रीडिंग होगी, उसके इंडिविजुअल्स क्या होंगे, एक स्पीसीज के सिमिलर स्पीसीज के इंडिविजुअल्स क्या होंगे, वो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकेंगे, रिप्रोडक्शन कर सकेंगे, और एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से क्या होगी, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होगी, क्या होगी, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होगी, क्लियर बच्चों, क्या क्लियर हो गया आप लोगों को, स्पीसीज क्या होगी, इंटरब्रीडिंग कर सकती है, अगर सेम स्पीसीज आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकती है, लेकिन एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के साथ में क्या होगी, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होगी, क्लियर बच्चों, और अच्छे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, तो अंस्टमेयर इज द आंसर आप लोगों का, ठीक है, फिर उसके आगे बढ़ते हैं, अ ट्रू स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ अ पॉपुलेशन, एक जो ट्रू स्पीसीज होती है इस कंसिस्ट ऑफ अ पॉपुलेशन क्या होती है, जरा बताइए बच्चों, 97, अरे अभी मैंने बताया ना आपको कि स्पीसीज क्या होती जो आपस में इंटरब्रीड कर सके और एक दूसरी एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से क्या कर सके, क्या कर सके, आपस में जो है रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा इसका आंसर कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, क्लियर, एक ट्रू स्पीसीज होती है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, अच्छा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है एज इट इज दिमाग में रखनी है, कैरेक्टरिस्टिक विच डिलिमिट आ फैमिली आर मोर जनरल देन विच लिमिट डिलिमिट आ, बताइए बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जीनस होगा, ये आपको एज इट इज याद रखना है, नेक्स्ट, स्पीसीज लिविंग इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में जो स्पीसीज रहती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है आपसे कि स्पीसीज लिविंग इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, फटाफट से इसका आंसर लगाओ, स्पीसीज लिविंग इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज,
क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से जरा एक बार इसका आंसर हो जाए। स्पीसीज जो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में रहती हैं उसका आंसर क्या है। 30 सेकंड्स का टाइम लो, वीडियो पॉज करो और आंसर लिखो, क्या होगा उसका आंसर, क्या वो सिबलिंग स्पीसीज हैं? नहीं यार। क्या वो मॉर्फो स्पीसीज हैं? नहीं। क्या वो सिम्पेट्रिक स्पीसीज हैं? नहीं। क्या वो एलोपेट्रिक स्पीसीज हैं? बिल्कुल। ये क्यों है? बिकॉज हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचा था, राइट। नहीं यार, हमारे पास में जो है एलोपैट्रिक स्पीसीज कंसेप्ट हमने पढ़ रखा है कि एलोपैट्रिक स्पीसीज क्या होती हैं, वो स्पीसीज विच लिव इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज। एलोपैट्रिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज विच लिव इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज। मैंने एक बार नहीं 10 बार आपको अपने लेक्चर में पढ़ाया था कि बच्चों याद कर लो कि सिम्पेट्रिक स्पीसीज क्या है, एलोपैट्रिक स्पीसीज क्या है, एलोपैट्रिक स्पीसीज क्या होती है, कि स्पीसीज लिव इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज। बच्चों क्या होती है कि स्पीसीज लिव इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज आर दोज स्पीसीज आर कॉल्ड एज द एलोपैट्रिक स्पीसीज। बच्चों क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, एलोपैट्रिक स्पीसीज। फिर तब तक हम लोगों ने लगा ली है। 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है कि कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है। जरा बच्चों आंसर लगा दो, कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है, कीस्टोन स्पीसीज हम लोग किसे कह रहे होते हैं, कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है। जरा बच्चों फटाफट से आंसर लगा लीजिए। आपने देखा हम लोगों ने अभी तक 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 100 क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा नंबर होता है, 100 क्वेश्चन है, राइट। अगर मैंने 100 क्वेश्चन करा लिए हैं, अब आपको इसमें से 200 क्वेश्चन करने हैं। आपको हर पॉसिबल एमसीक्यू अपने बुक से उठाना है, वो आपको यहाँ पर करना है, राइट। जहां से भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, एक एक बुक जितनी आपसे हो सके उतनी बुक आप सॉल्व कर डालो। हर जगह ऑनलाइन ऑफलाइन जहां पर भी आपको एमसीक्यू मिल रहे हो, हर एक एमसीक्यू करो। ये मत सोचना कि जो है हमारा क्या होगा, ये मत सोचना कि हमारे बहुत ज्यादा एमसीक्यू हो जाएंगे, या फिर जो है अलग अलग बुक को हम फॉलो नहीं करें, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। या फिर क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी से है या नहीं है, देखिए चाहे वो आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी से हो या बाहर का हो, लेकिन अगर वो आपके चैप्टर से क्वेश्चन है देन वो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, राइट। चाहे वो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो, चाहे वो फ्रॉम एनसीईआरटी हो, आपको याद करना है, क्लियर। आपको वो क्वेश्चन अगर आपसे गलत हो रहा है तो आपको याद करना है और आपको पढ़ना है क्वेश्चन, क्लियर है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हैं तो बताइए की स्टोन स्पीसीज क्या होती हैं, की स्टोन स्पीसीज क्या होती हैं बच्चों, की स्टोन स्पीसीज क्या होती है बच्चों, फटाफट से आंसर लगा दो। क्या स्पीसीज रिकॉर्डेड ओनली इन द फॉसिल स्टेट, क्या हम जो फॉसिल स्टेट में जो है जो स्पीसीज को रिकॉर्ड करते हैं, क्या वो की स्टोन स्पीसीज होती हैं? नहीं यार। तो क्या होती हैं? क्या स्पीसीज जो रिप्रोड्यूस करती है सेक्सुअली, क्या वही स्पीसीज होती है फिर की स्टोन स्पीसीज? ये भी नहीं। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा आपका, कि स्पीसीज बिलोंग टू द सेम पीरियड? ये भी नहीं। इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारे पास में, स्पीसीज दैट डिटरमाइन स्ट्रक्चर ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, क्योंकि बायोटिक कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती है, उनको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, कि स्टोन स्पीसीज बोल रहे होते हैं, ठीक है, क्लियर। स्पीसीज जो कि स्ट्रक्चरली रिप्रोड्यूस करती है उनको हम लोग की स्टोन स्पीसीज नहीं बोल रहे होते हैं, और स्पीसीज जो फॉसिल स्टेट में होती हैं उनको भी नहीं। जो स्पीसीज जो हैं बायोटिक कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती हैं उनको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, की स्टोन स्पीसीज बोल रहे होते हैं, क्लियर। तो की स्टोन स्पीसीज क्या होती हैं, की स्टोन स्पीसीज विच डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वॉट, स्ट्रक्चर ऑफ वॉट, स्ट्रक्चर ऑफ बायोटेक। आगे नेक्स्ट, बायोटेक कम्युनिटी, वेरी क्लियर बच्चों, ठीक है। सो की स्टोन स्पीसीज क्या होती हैं, की स्टोन स्पीसीज आर दी स्पीसीज विच डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ बायोटिक कम्युनिटी को डिटरमाइन करती हैं, वेरी क्लियर बच्चों, ठीक है। फटाफट से जरा देख लिया आपने,
तो 100 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। 100 एक बहुत बड़ा नंबर होता है बच्चों। हमने एनसीईआरटी से क्वेश्चंस देखे, एनसीईआरटी से बाहर के हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अगर मैंने आपको 100 क्वेश्चंस कराए हैं तो आपको जो है वो 200 क्वेश्चंस करने हैं। अब अराउंड 15 क्वेश्चंस हमारे पास में और बचे हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम इस सेशन को एंड करते हैं। तो 15 क्वेश्चंस और कर लेते हैं बच्चों एक बार, 15 क्वेश्चंस और कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो कौन कौन से 15 क्वेश्चन जरा देख लीजिए। हाँ देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जरा एक बार आंसर लगा दो इसका। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, फटाफट से एक बार जरा आंसर लगा दो इसका। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, फटाफट से एक बार आंसर बताइए बच्चों। क्या होता है ना कि मैं काफी ज्यादा, मतलब देखिए अगर आप मेरे जोश को देखिए और मेरे जोश के साथ में अपने जोश को मेंटेन करिए, अगर मैं जो है आपको चिल्ला चिल्ला करके पढ़ा सकता हूँ। देखिए नीट का एग्जाम आपको देना है, डॉक्टर आपको बनना है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। ये साल आपने लिया है अपनी तैयारी के लिए, मैं इस साल पढ़ा रहा हूँ, अगले साल ही बच्चों को पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको नीट का एग्जाम देना है, आपको डॉक्टर बनना है। तो डिसाइड कौन करेगा? आपको डिसाइड करना होगा अपने फ्यूचर के लिए, आपको पढ़ना होगा, राइट। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर मैं अपने जो है मैं इतना आपको चिल्ला चिल्ला करके पढ़ा रहा हूँ, तो आपको भी जो है अपने जोश को कम नहीं होने देना है, पूरे जोश को मेंटेन रखना है, राइट। पूरे साल हमें इसी जोश के साथ में पढ़ाई करनी है। तो अगला प्रश्न क्या आपसे कह रहा है, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडिटरी प्रिंसिपल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एग्जाम में आता है तो आपको आना चाहिए। अगर आप प्रीवियस ईयर बुक देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडिटरी प्रिंसिपल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। बताइए बच्चों क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका यूजेनिक्स, ठीक है। अब कैसे होगा, तो यूजेनिक्स रिफर्स टू इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय मॉडिफाइंग फर्टिलिटी और इम्प्लॉइंग द हेरिडिटी प्रिंसिपल। मतलब क्या किया यूजेनिक्स में हम लोग, क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस बाय मॉडिफाइंग फर्टिलिटी, फर्टिलिटी को मॉडिफाई करते हैं और इम्प्लॉइंग द हेरिडिटी प्रिंसिपल। जो भी हमारे हेरिडिटी प्रिंसिपल हैं उनको हम लोग इम्प्लॉय करते हैं और फर्टिलिटी को मॉडिफाई करते हैं यूजेनिक्स के अंदर, राइट। वेरी क्लियर। नेक्स्ट वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, होम्योस्टेसिस इज व्हाट। तो होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं, होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं बच्चों, फटाफट से एक बार आंसर लगा दो इसका। होम्योस्टेसिस इज, बताइए बच्चों, एक बार नहीं 50 बार मैंने आज भी आपको समझाया कि एक समान स्थिति को मेंटेन करना क्या होता है, आपका होम्योस्टेसिस होता है। मैंने आपसे एक बार नहीं 50 बार मैंने आपसे कहा है, ठीक है। सो क्या होगा इसका आंसर वो आप लोग मुझे बताएंगे। क्या टेंडेंसी टू चेंज विद चेंज इन द एनवायरमेंट, मैंने क्या कहा कि एक समान स्थिति को मेंटेन करना तो चेंज तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। डिस्टर्बेंस इन द रेगुलेटरी कंट्रोल, ये भी नहीं होगा। एक समान स्थिति को मेंटेन करना, प्लांट्स एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट इन एक्सट्रैक्ट यूज इन होम्योपैथी, इसको हम लोग कहते हैं क्या, नहीं। इसको मतलब ये भी गलत है। ऑप्शन क्या बचा हमारे पास में, टेंडेंसी टू रजिस्ट चेंज, चाहे बाहर कोई भी चेंज हो लेकिन इंटरनल चेंजेस नहीं होने देता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस बोल रहे होते हैं। एक समान स्थिति को मेंटेन करना इज कॉल्ड एज द होम्योस्टेसिस। होमियो माने क्या होता है, सिमिलर। स्टेटिस माने क्या होता है, स्टैंडिंग। इज द टेंडेंसी ऑफ मेंटेनिंग अ रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। क्या कह रहा है आपसे कि होमियो माने होता है सिमिलर, स्टेटिस माने होता है स्टैंडिंग। ये टेंडेंसी है टू मेंटेन अ रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टेबल इंटरनल फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस कहलाता है। और द स्टेडी स्टेट भी हम लोग कहते हैं इसको, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस और द स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम इन अ पॉपुलेशन और द इकोसिस्टम, इट इज कैरीड बाय रेगुलेटरी मैकेनिज्म विच कोऑर्डिनेट इंटरनल फंक्शन सच एज प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द सेल एंड ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस। वेरी क्लियर बच्चों।
तो आपको याद ये रखना है कि होम्योस्टेसिस को हम लोग क्या कहते हैं कि ये बेसिकली एक एक लिटरली स्टेबल आपको जो कंडीशन प्रोवाइड करता है, स्टेबल इंटरनल फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट आपको ये मेंटेन करके रखता है, और इसको हम लोग जो है स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम भी कह रहे होते हैं, क्लियर, स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम भी कह रहे होते हैं इसको हम लोग, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि पिटोलॉजी इज द साइंस ऑफ, पिटोलॉजी किसकी साइंस है बताइए बच्चों, पिटोलॉजी इज द साइंस ऑफ बच्चों फटाफट से आंसर लगाइए इसका, कि पिटोलॉजी इज द साइंस ऑफ, ठीक है, देखिए पिटोलॉजी इज द साइंस ऑफ द सॉइल, एज इट इज क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रहना चाहिए, पिटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल एंड द सॉइल प्रॉपर्टीज, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म और द सिस्टम इज टू, बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, क्या ऑक्सीजन का उपयोग करना और ऑक्सीजन को जनरेट करना है, क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है बताइए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द लिविंग सिस्टम इज टू, लिविंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, तो वो ये है कि रेप्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, अपने आप को रेप्लिकेट करना, अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रेप्लिकेट करना, रिप्रोडक्शन करना, बिकॉज रिप्रोडक्शन क्या है, मैंने आपको बताया था कि सिग्निफिकेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन क्या कहता है, कि ये इसलिए जरूरी है एक स्पीसीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है, और एक स्पीसीज के अस्तित्व को जो बनाए रखने के लिए सिग्निफिकेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन है, राइट। अगर एक स्पीसीज के सभी इंडिविजुअल ये डिसाइड कर लें कि हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो वो स्पीसीज धीरे धीरे क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर एक स्पीसीज को अपने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मेंटेन करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, राइट बच्चों, क्लियर। सो रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, हाउएवर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट इज नॉट ऑनली मेथड फॉर दिस, ठीक है। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन एनी केस सेलेक्शन इज नेसेसरी व्हिच इन्वॉल्व द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, आपसे क्या बोल रहे हैं ये, हमने आपसे क्या बोला था लेक्चर के दौरान, कि मैंने आपसे देखिए सिग्निफिकेंस बोला था कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, और बच्चों रिप्रोडक्शन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, क्लियर है बच्चों, सब कुछ पढ़ रखा है हम लोगों ने पहले से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस आरबीई इज यूजली रिफर्स टू डैमेजेस कॉज्ड बाय, आरबीई की फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा कि रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस इज यूजली रिफर टू डैमेजेस कॉज्ड बाय, ये किस कौन से डैमेजेस को जो है रिफर करती है, एंड इट इज कॉज्ड बाय व्हाट, जरा बताइए बच्चों इसका आंसर, क्या ये जो डैमेजेस होता है क्या वो लो टेम्परेचर के कारण होते हैं, क्या हाई टेम्परेचर के कारण होते हैं, क्या इंसेफेलाइटिस के कारण होते हैं, या फिर रेडिएशन के कारण होते हैं, इसका आंसर ये है कि रेडिएशन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। RBA इज अ कंपैरिजन ऑफ द डोजेस ऑफ द रेडिएशन, ये क्या है कि डोजेस का जो है कंपैरिजन है, किसके डोजेस का, रेडिएशन के डोजेस का कंपैरिजन है, बीइंग ट्रीटेड विद डोजेस ऑफ स्टैंडर्ड रेडिएशन प्रोड्यूसिंग द सेम इफेक्ट, राइट। सो RBA की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ठीक है, और RBE में आपको जो है इसको जो डैमेजेस होते हैं उनको हम रेफर करते हैं, लेकिन वो डैमेजेस कॉज कौन करता है, सो डैमेजेस कॉज्ड बाय द रेडिएशन, आपको ये याद रखना है, राइट। रेडिएशन के कारण जो जो आपके डैमेजेस होते हैं वो हम लोग किसमें पढ़ते हैं, RBE में पढ़ते हैं, और RBE की फुल फॉर्म क्या होती है, आपकी फुल फॉर्म होती है आपकी रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, वेरी क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग, है फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ कौन सी होती है, जरा बच्चों आंसर लगाइए इसका,
पहली लाइफ अर्थ के ऊपर कौन सी थी? पहली लाइफ कौन सी थी बच्चों? पहली लाइफ कौन सी थी? पहली लाइफ कौन सी थी अर्थ के ऊपर? फटाफट से एक बार, पहली लाइफ कौन सी थी बच्चों? पहली लाइफ कौन सी थी? फटाफट से बच्चों जरा एक बार, आई होप आप सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो जो पहली लाइफ थी वो कौन सी लाइफ थी पहली बच्चों? क्या वो साइनोबैक्टीरिया थे? नहीं यार, क्यों नहीं थे? बिकॉज अर्ली जो पहली लाइफ थी आपकी ना, तो वहां पे क्या था? अबंडेंट केमिकल्स वहां पर थे। सो केमिकल्स को जो लोग लेते थे फूड के रूप में, उनको हम लोग बोल रहे थे कीमो हेटरोट्रॉप्स। इसका मतलब जो पहली लाइफ थी वो कौन सी थी? कीमो हेटरोट्रॉप्स थे वो वाले, ठीक है। फर्स्ट लिविंग बींग्स वर फॉर्म्ड इन द एनवायरमेंट ऑफ सी हैविंग अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। वहां पर अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे एंड वो दे अब्सॉर्ब द ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर द सेक ऑफ न्यूट्रिशन। वो न्यूट्रिशन के रूप में क्या लेते थे? ऑर्गेनिक मटेरियल्स को लेते थे एंड हेंस वर द कीमोट्रॉप्स, कीमोहेटरोट्रॉप्स। क्लियर बच्चों? जो पहली लाइफ थी वो आपको साइनोबैक्टीरिया नहीं चूज करना है, पहली लाइफ जो है वो आपको चूज करना है कीमो हेटरोट्रॉप्स। क्यों? बिकॉज अर्ली अर्थ पे क्या था? अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे और जो वो जीव थे वो इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स को अब्सॉर्ब करते थे इन द सेक ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। फिर रीजन क्या है डाइवर्सिटी का है? तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं अभी अभी। क्या है इसका रीजन? की लॉन्ग टर्म एवोल्यूशनरी चेंजेस, ये हम लोग अभी सॉल्व कर चुके क्वेश्चन है, रिपीट हो गया क्वेश्चन है, ठीक है। थ्रू म्यूटेशन प्रोवाइड द सोर्स ऑफ वेरिएशन, द डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और द लिविंग बीइंग्स इज ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन ऑफ वेरिएशन एंड कॉन्सिक्वेंट एवोल्यूशनरी चेंजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको याद रखना है कि डाइवर्सिटी क्या क्यों होती है? एक लॉन्ग टर्म एवोल्यूशनरी चेंज है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट, देयर इज नो लाइफ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने सुना भी होगा कि चंद्रमा के ऊपर जीवन नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या नहीं है? देयर इज नो लाइफ ऑन मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ। चंद्रमा के ऊपर जीवन नहीं है, क्यों नहीं है? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ। किसकी एब्सेंस है वहां पर? क्या चीज नहीं है इसलिए वहां पर जीवन नहीं है? देयर इज नो लाइफ ऑन द मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ। बच्चों फटाफट से आंसर लगाइए इसका। क्या ऑक्सीजन नहीं है? क्या वाटर नहीं है? लाइट नहीं है? टेम्परेचर नहीं है? तो वहां पर वाटर नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कि चंद्रमा पर क्या नहीं है? पानी नहीं है, राइट। तो वाटर इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द ऑर्गेनिज्म, एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट एंड द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एक्सेट्रा एंड इट इज एब्सेंट ऑन द मून। आपसे क्या बोल रहे हैं कि वाटर जो है एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है साइटोप्लाज्म का सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और ये आपकी हेल्प करता है आप जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर सब्सटेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने में, वेस्ट प्रोडक्ट का एलिमिनेशन करने में और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, राइट। और वाटर क्या है? एब्सेंट है चंद्रमा के ऊपर, इट इज एब्सेंट ऑन द मून। वेरी क्लियर बच्चों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहे हैं ये लोग है कि मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर इज कंटेन्ड इन, ठीक है, 70% से अधिक जो फ्रेश वाटर है वो कहां पर है? बताइए बच्चों इसका आंसर। 70% जो अधिक वाटर है वो कहां पर है बच्चों? फटाफट से जरा एक बार आंसर लगा दीजिए। मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्रेश वाटर इज कंटेन्ड इन। वेरी क्लियर, फटाफट से एक बार, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। फटाफट से क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ये होगा आपका पोलराइज, पोलराइज पे मेंटेन है सारा, ठीक है। 3/4 सरफेस ऑफ द अर्थ, अबाउट 70% ऑफ द टोटल इज ऑक्यूपाइड बाय द ओशियंस, ठीक है। क्या होता है? 3/4 सरफेस जो है अर्थ का वो किससे ऑक्यूपाई है? वो जो है ओशियन से ऑक्यूपाई है, विच कंटेन 97.5% ऑफ द टोटल वाटर। दिस इज द मराइन वाटर विद अबाउट 3.5% सॉल्ट कंटेंट्स। यहाँ पर क्या है? मराइन वाटर है, समुद्री पानी है, जहां पर 3.5% क्या है? सॉल्ट कंटेंट्स है। रेस्ट वाटर जो है आपका 2.5%, इट इज अ फ्रेश वाटर विच अकर्स ऑन द लैंड, जो कि लैंड के ऊपर आता है। एंड मोस्ट अमाउंट ऑफ दिस वाटर अबाउट 1.97% अकर्स एज फ्रोजन आइस कैप्स, वो भी 2.5% में से क्या हो गया?
आपका 1.97% क्या हो गया, ये आइस कैप्स बन गए आपके एंड द ग्लेशियर्स एंड 0.5% फ्रेश वाटर अकर्स एट द ग्राउंड वाटर, मतलब जो फ्रेश वाटर है जो कि ग्राउंड वाटर के रूप में है वो कितना है, ओनली 0.5%। बच्चों से पानी को बचाना बहुत जरूरी है, सेव वाटर, राइट, सेव वाटर। बच्चों क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जरा एक बार आंसर लगा दीजिए इसका कि कार्बोहाइड्रेट दी मोस्ट अबंडेंट बायो मॉलिक्यूल ऑन अर्थ। कार्बोहाइड्रेट क्या है कि मोस्ट अबंडेंट बायो मॉलिक्यूल है अर्थ के ऊपर, आर प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है, बताइए बच्चों एक बार इसका आंसर। कार्बोहाइड्रेट जो कि मोस्ट अबंडेंट बायो मॉलिक्यूल है अर्थ के ऊपर ये प्रोड्यूस किया जाता है, क्या ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, फंजाई एल्गी, नहीं यार बैक्टीरिया नहीं करते हैं, क्या फंजाई एल्गी और ग्रीन प्लांट्स करते हैं, सॉरी फंजाई नहीं बैक्टीरिया कर सकते लेकिन फंजाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पर फंजाई वाला ऑप्शन इसके लिए क्या हो गया, ये गलत हो गया, अगेन फंजाई यहाँ पर इसका ऑप्शन आ गया तो यहाँ पर भी ये गलत हो गया, फंजाई नहीं करते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्लियर। यहाँ पर क्या फंजाई है क्या, नहीं है, यहाँ पर बैक्टीरिया है, एल्गी है और ग्रीन प्लांट सेल्स हैं, ये लोग क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। बच्चों सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया सच एज द रोडोसुडोमोनास कैन प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट, सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो कुछ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कौन सी बैक्टीरिया, रोडोसुडोमोनास, वो कार्बोहाइड्रेट को प्रिपेयर कर सकती है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया सच एज रोडोसुडोमोनास कैन प्रिपेयर द कार्बोहाइड्रेट बट ड्यूरिंग दिस पीरियड द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन, बट ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ फूड सिंथेसिस द ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व्ड बिकॉज इन दिस केस द हाइड्रोजन डोनर इज अदर देन वॉटर। यहाँ पर क्या होती है, देखिए कुछ बैक्टीरिया जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कर सकती है लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इवॉल्व नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पर जो आपका जो ऑक्सीजन डोनर है वो क्या रहता है, यहाँ वो वॉटर नहीं होता है, राइट, बिकॉज यहाँ सॉरी यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन डोनर है वो वाटर नहीं होता है, इसीलिए ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ फूड सिंथेसिस द ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व, राइट। वेयर एज अगर आप एल्गी की बात करें, चाहे वो ग्रीन हो या फिर ब्लू ग्रीन हो या फिर आप ग्रीन प्लांट सेल्स की बात करें, जब वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं तो उनका जो हाइड्रोजन आयन है वो कहाँ से आता है, वाटर से आता है, इसीलिए क्या होता है ऑक्सीजन वहां पर रिलीज होती है, क्लियर बच्चों, वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट से जरा बच्चों इसका एक बार आंसर लगा दीजिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक लूप इन द ह्यूमंस। नेगेटिव फीडबैक लूप का एग्जांपल क्या है हमारी बॉडी के अंदर, नेगेटिव फीडबैक रूल का एग्जांपल क्या है हमारी बॉडी के अंदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक लूप इन द ह्यूमंस, वेरी क्लियर बच्चों आंसर लगा दीजिए एक बार फटाफट से। क्या कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ स्किन डेड वेसल्स एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द स्केलेटन मसल्स व्हेन इट इज टू कोल्ड, या फिर सिक्रेशन ऑफ टीयर्स आफ्टर फॉलिंग ऑफ सैंड पार्टिकल्स इनटू द आई, क्या मतलब जो है आंसुओं का निकलना जब हमारे आंखों में जो है धूल मिट्टी पड़ जाती है, क्या ये एक नेगेटिव फीडबैक लूप है, या फिर द सलाइवेशन ऑफ माउथ एट द साइट ऑफ द डिलीशियस फूड, जो हम एक स्वादिष्ट भोजन को देखते हैं तो जो सलाइवा मुंह के अंदर आता है क्या वो है, ठीक है, या फिर सेक्रेशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड एंड द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स व्हेन इट इज टू हॉट, हॉट होने पर गर्मी लगने पर क्या होता है पसीना आता है और जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, क्या ये है, नहीं यार इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द स्किन ब्लड वेसल्स एंड द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स व्हेन इट इज टू कोल्ड, जब आपको जाड़ा लगता है तो शिवरिंग होती है, आपके हाथ पैर कांपते हैं, राइट, कॉन्स्ट्रक्शन हो जाता है आपके स्केलेटन मसल्स में, क्लियर बच्चों। तो नेगेटिव फीडबैक लूप क्या होगा आपका, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द स्किन ब्लड वेसल्स एंड द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द स्केलेटन मसल्स व्हेन इट इज टू कोल्ड, क्लियर बच्चों। तो स्किन ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट एंड द स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द कोल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ द होम्योस्टेसिस, बच्चों क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिजाइनेटेड डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, इसका आंसर बताइए एक बार।
बिल्कुल बिल्कुल, ग्रोथ रिप्रोडक्शन और कॉन्सिस्टेंस मेटाबॉलिज्म से ही आपको इसका आंसर लगाना है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी से इसका आपको आंसर लगाना है बच्चों, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी से आपको इसका आंसर लगाना है। फटाफट से बच्चों एक बार, देखिए कैसे कर सकते हैं, क्या ग्रोथ से कर सकते हैं? नहीं यार, हमने आपसे क्या कहा था कि ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होती है, रिप्रोडक्शन से भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जैसे म्यूल्स, स्टराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो क्या वो लिविंग नहीं है? वो लिविंग है। यहाँ आपसे क्या पूछे जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं हो, वो बताओ मुझे। तो इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट एंड द प्रोग्रेस एवोल्यूशन, इट इज अ वेरी वेरी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट, वो अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स को सेंस कर पाते हैं, अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स कर पाते हैं। क्लियर बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद देयर एनवायरमेंट एंड सो द प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, ठीक है, दे कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज। ऑन द अदर हैंड, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और मूवमेंट जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है, बिकॉज उनके कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद, बताइए बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किससे स्टार्ट होती है? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद, फटाफट से बच्चों एक बार जरा आंसर लगा दीजिए, क्या वो सेल से स्टार्ट होती है? बिल्कुल गलत, मैंने क्या बताया था आपको, जरा ध्यान करिए उसको, सेल से वो स्टार्ट नहीं होती है, वो ऑर्गेनिज्म तो बहुत बड़ी चीज हो गई, सेल से मिलकर टिश्यू, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के क्या बनते हैं, जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। सो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद, बताइए बच्चों, क्या एटॉमिक लेवल? नहीं यार, जब यहाँ पे दे रखा है सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, तो ये इट इज द करेक्ट आंसर, सब माइक्रोस्कोपिक, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। क्लियर? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद सब मॉलिक्यूलर माइक्रोस्कोपिक लेवल, वेयर फोर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन एंड द न्यूक्लिक एसिड आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल्स। यहाँ पर क्या होता है, फोर टाइप्स ऑफ जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। नेक्स्ट, द लेवल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कंटेन इन्फॉर्मेशन। देखिए हर्बेरियम के लेवल पे क्या, कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है? मैंने आपसे कहा था ना कि हर्बेरियम शीट पे क्या करते हैं, हम प्लांट को सुखाते हैं, प्रेस करते हैं और प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, और साइड में हम लोग उसके ऊपर एक लेबल लगाते हैं, तो उस लेबल पे कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, उस लेबल पे कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है बच्चों, कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं होती उस लेबल पे है? डेट ऑफ द कलेक्शन होता है, नेम ऑफ द कलेक्टर होता है, लोकल नेम्स होते हैं, कौन सी नहीं होती है? हाइट ऑफ द प्लांट नहीं होती है। क्लियर? हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ प्लांट दैट यूजली हैव बीन ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट। मैंने आपसे बताया कि शीट के ऊपर पहले हम सुखाते हैं, प्रेस करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, एंड आर अरेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद मैनी एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड स्टडी। आगे के हम लोग स्टडी के लिए उसको, जो कि जो भी हमारा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको जो है अरेंज करते हैं। इट डज नॉट हैव द इंफॉर्मेशन ऑन द हाइट ऑफ द प्लांट। क्लियर बच्चों? लास्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने आ चुका है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में लिविंग वर्ल्ड चैप्टर हमारा पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन, फटाफट से बच्चों इसका आंसर लगाइए, क्या होगा कि नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ द नॉमेनक्लेचर। कौन सा जो है यहाँ पर जो है नॉमेनक्लेचर का रूल नहीं है, फटाफट से एक बार जरा आंसर लगाइए इसका, फटाफट से। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर क्या लिखा है, ये बेसिकली लिखा हुआ आपका लैटिनाइज्ड, आप लगाइएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। क्या क्या कह रहे हैं आपसे, है कि द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल द सेकंड नेम इज अ स्पेसिफिक एपिथेट। बिल्कुल सही है, ये हमारा बायोलॉजिकल रूल है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या लिखा है आपसे कि साइंटिफिक नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटलाइज्ड, ठीक है।
ठीक है, तो ये भी है हमारा, नहीं रिटर्न नहीं होगा यहाँ पे, आर इन लैटिन, ठीक है, कौन सी भाषा में होते हैं, वो चाहे लैटिन भाषा में होते हैं, अगर नहीं कर नहीं होते हैं तो क्या होते हैं, हमने हमने बनाते हैं लैटिन में, ठीक है। एंड व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन, जब भी हम उन्हें लिखते हैं तो उन्हें हम अंडरलाइन करते हैं। एंड बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, क्या ये बात सही है, ये बात सही है, नहीं बिल्कुल गलत है, मैंने आपसे कहा ना केवल वो लैटिन भाषा में ही होंगे। यार बच्चों इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस, कि बायोलॉजिकल नेम्स ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज एंड प्रिंटेड इन द इटैलिक्स, इटैलिक्स में हम उसे प्रिंट करते हैं, ठीक है, क्लियर। और अच्छे बच्चों तो मजा आया आज, ठीक है, और बहुत बहुत हम लोगों को मजा आया, और हमारा चैप्टर इसी के साथ में खत्म हो गया है, और हम लोगों ने पूरे मेहनत के साथ में हर पॉसिबल एमसीक्यू जो बन सकता था वो हम लोगों ने किया है यहाँ पर। अब मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कराए हैं, अगर मैंने आपको 100 क्वेश्चंस कराए हैं तो आपको 200 क्वेश्चन ऐसे आपको सॉल्व करने हैं, क्लियर बच्चों। तो बिल्कुल जी जान लगाकर आप लोगों को मेहनत करना है, अगर मैं दो दो घंटे चला करके आपको पढ़ा रहा हूँ दैट मीन्स आपको जो है अपने सपनों को पूरा करना है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। कल फिर मिलेंगे, कल हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इस चैप्टर को रिवाइज करिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए, क्लियर बच्चों। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।